अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे आप? ठीक ठाक है मेरे दोस्तों? यार वैसे मैं आपको अपने दोस्त इसलिए कहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में और हर किसी की ज़िंदगी में दोस्त जो हैं वो चेंज होते जाते हैं। जब आप छोटे होते हैं आपके दोस्त अलग किस्म के होते हैं, जब आप उससे बड़े होते हैं, मैं आपको बताती हूँ, जब आप छोटे होते हैं तो आपके दोस्त वो होते हैं जो आपके साथ स्कूल में पढ़ते हैं, आपके कज़न्स आपके दोस्त होते हैं, आपके हम उम्र आपके दोस्त होते हैं, गली के बच्चे, आपके पड़ोसी जिनके साथ आप मिल की मिट्टी खाते हैं वो आपके दोस्त होते हैं, बैल बजा के भागते हैं, छोटी छोटी शरारतें करते हैं, अगर वो आपकी मिजाज की होती हैं या होते हैं तो वो आपके दोस्त होते हैं, आप उनके साथ पिट्टू बारी खेलते हैं। मैं बताती हूँ ना, मेरे दोस्तों के साथ मैं पिट्टू बारी खेला करती थी, बैडमिंटन खेला करती थी और खो खो खेला करती थी। बारिश होती थी तो हम लोग नीचे चले जाते थे, अपार्टमेंट में रहते थे तो बर्फ़ पानी खेला करते थे, तो ये मेरे उस वक्त के दोस्त वो थे जो मेरा साथ देते थे इन सारी शरारतों में और खेल में। फिर आ गया जी स्कूल का टाइम। स्कूल में वो जो लड़की बहुत अच्छी होती है पढ़ाई में, आप उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या ऐसा भी होता है कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो कोई एक और डफर आपके साथ हो और आपको एक दूसरे से हमदर्दी होती है, फिर वो आपके दोस्त हो जाते हैं। फिर आपकी कॉलेज लाइफ शुरू होती है। कॉलेज लाइफ में भी आपके मुख्तलिफ दोस्त होते हैं। एक तो ये दोस्त होते हैं जो आपके घर के करीब रहते हैं और उनके साथ आप आते जाते हैं, कभी बस कभी पॉइंट में सफ़र करते हैं। एक आपके सफ़र के दोस्त होते हैं जिनके साथ आप बैठ के फुल गप्पे मारते हैं, चाहे वो आपकी क्लास में हो या ना हो। वैन वाला अगर आपको लेने आता है तो वैन वाला उन्हें भी लेने आता है, तो वो जो साथ सफ़र है ना उसमें आपकी दोस्ती ऐसी पुख्ता हो जाती है। और एक आपके वो दोस्त होते हैं जो बहुत अच्छा फैशन करते हैं, यानी बड़े अच्छे कपड़े पहन के आती है, यानी कि मैं यूनिवर्सिटी में ना बड़े लंबे लंबे दुपट्टे पहन कर जाया करती, मैं बड़ी मशहूर थी अच्छे कपड़े पहनने वाली। अब पता नहीं। तो एक आपके दोस्त वो बनते हैं जो बहुत अच्छे फैशन सेंस जिनको बहुत अच्छा होता है, आप सोचते हैं कि चलो मैं इससे दोस्ती कर लूँ तो मैं भी थोड़ी सी एस्थेटिक्स के मामले में अच्छी हो जाऊँगी। और उसके बाद फिर जब आपके बच्चे हो जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है, तो कभी कभार शादी के बाद कभी कभार ससुराल में कोई एक ऐसी शख्सियत आपका दोस्त बन जाता है जो आपकी सारी गिले शिकवे जो है ना वो सुनता है आके, यार मेरी सास तो ऐसी हैं, यार मेरे तो नंद ऐसी करती हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, इनकी नेचर ऐसी, तुम ना परेशान हो, और उसको टिप्स देती हैं, तुम ऐसा किया करो, वो दिल में नहीं रखती हैं, अरे तुम्हारे पीठ पीछे बड़ा तारीफ करती हैं। एक दोस्त वो ससुराली रिश्तेदार आपकी वो दोस्त होती है, अक्सर वो भी बाहर फैमिली से आई हुई होती हैं, कोई मुमानी होती है, कोई भाभी होती है, उनसे आपकी पक्की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर आपकी दोस्ती होती है बच्चों की क्लास फेलोज की माओ से, और ये ऐसी दोस्ती होती है जिनको आप अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में कुछ नहीं बताती। उनसे आपकी दोस्ती इसलिए होती है कि अगर उनसे आपकी अच्छी दोस्ती होगी तो बच्चों का होमवर्क शेयर हो सकता है, बच्चों के टेस्ट में एक दूसरे की मदद की जा सकती है, और बड़ी बड़ी कैलकुलेटेड दोस्ती ये होती है, ना उनकी बातें आपको पता होती है ना आपकी बातें उन्हें पता होती है। लाइक मेरे बच्चे जिस स्कूल जाते हैं, मैं बड़ी अच्छी सलाम दुआ है सारे, लेकिन मुझे अंदर की कोई बात किसी की भी नहीं पता, ना उनको मेरी अंदर की कोई बात पता होती है। उसकी वजह ये कि हम लोग बड़े रस्मी तौर पर मिलते हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में तो हम बच्चों की ही बातें कर रहे होते हैं, हमें अपनी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये होती है जी दोस्ती। उसके बाद मेरे ख्याल से बुढ़ापे में जाके आपके मियाँ आपके दोस्त बन जाते हैं और आपके बच्चे। अगर आपकी बेटी है तो आप बुढ़ापे में, यानी कि एक सही पक्की उम्र में आपके बच्चे आपके दोस्त बन जाते हैं, आपकी बेटियां आपकी दोस्त बन जाती हैं। फिर वो समझाती हैं, मामा आप ये नहीं करें, अभी आप इस तरह नहीं किया करें, अब्बू तो बहुत गुस्से के तेज़ हैं, आप ये किया करें, अम्मी को पट्टियाँ पढ़ा रही होती हैं, बेटे भी आ जाते हैं अम्मी का साथ देने के लिए, और हस्बैंड्स भी दोस्त बन जाते हैं। उस वक्त वो अपने सारे जो रंगीन लाइफ गुजारी होती है वो सब भूल जाते हैं। अब वक्त शुरू होता है आपका, आप वो जो सारी पिछली ज़िंदगी गुजारी होती है उसके ताने आप निकाल निकाल के दे रही होती हैं, और वो मुस्कुरा कर चश्मे के नीचे से हंसते जाते हैं और इधर उधर पतली गली से निकल जाते हैं, कभी अखबार पढ़ने, कभी यूनियन में शामिल हो जाते हैं, और
और तो और कभी ऐसे बन जाते हैं कि उन्हें आवाज़ ही नहीं आ रही, वो न्यूज़ देख रहे हैं, चाहे देख रहे हो या ना देख रहे हो। तो ये जो दोस्ती का सफ़र है, इसमें मुसाफिर आपके बदलते रहते हैं। ज़िंदगी के हर स्टेज पे अलग 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 लोग आपकी दोस्त बनते जाते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिनसे मुलाकात होती है उस वक्त जब आपको काम हो, आपको पता है कि ये काम तो मेरा ये दोस्त ही करेगा या करेगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता तो आप उनसे मिल नहीं पाते। लेकिन आपको ये पता है कि काम आने के लिए या काम निकलवाने के लिए यही दोस्त है जो आपका साथ देगा। अब मैं ये दोस्त 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 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली आज मैं एक ऐसे ड्रामे की कास्ट को बुलाने वाली हूँ जिनकी ड्रामे की पूरी वन लाइन दोस्ती पर मुनासिर है, डिपेंड करती है। और ये ड्रामा 13 जून को शुरू हुआ, जिसका नाम है गुलो गुलजार। गुलो गुलजार में गुल और गुलजार हमारी शोबिज इंडस्ट्री की दो बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी लड़कियां हैं, और इनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शो बिज़नेस में आए हुए, लेकिन अपनी एक्टिंग से, अपने ड्रेस सेंस से, अपनी वो क्या कहते हैं अदाओं से, इन्होंने लोगों को गर्विदा बना लिया है। और बहुत प्यारी दोनों एक्टिंग करती हैं, बहुत दोनों की प्यारी पर्सनैलिटी है। आज इनको हमने बुला के पूछना है कि ये गुल तुम कर क्या रही हो गुलजार के साथ, गुल और गुलजार, गुलजार इतना सह क्यों रही है। मुझे तो कभी कभी जो जो लड़कियाँ जो बहुत मासूम होती हैं ड्रामों में, उसमें दिल आपका ये चाह रहा होता है कि यार इसको समझाए कोई, थोड़ी सी अकल से काम ले। वो बच्चियाँ असल ज़िंदगी में बहुत, मतलब ये जो ड्रामे हैं ये असल ज़िंदगी की लड़कियों को देखकर बनाए जा रहे होते हैं। और वाकई हमारी ज़िंदगी में आपके आसपास कुछ ऐसी वाकई लड़कियाँ होती हैं जो जिनको बहुत मामू बनाया जाता है, और उसमें से सच्ची में मैं आपको सच बताऊँगी, जब मैं शायद गुलो गुलजार की उम्र की होंगी तो मैं, मुझे भी इतनी चलाकियाँ ज़िंदगी की नहीं आती थी। अब जाके सोचती हूँ कि मैंने उस वक्त ये किया होता तो ये ना होता, उस वक्त ये किया, बाद में अकल आती है, उस वक्त अकल नहीं आती। मगर मेरा यह मानना है कि चलाकी से ज़िंदगी में कामयाबियाँ नहीं मिलती, ये खुदा भी देख रहा होता है, अल्लाह ताला भी देख रहा होता है। जो दिल का अच्छा होता है, जो सीधा साधा होता है, खुदा ताला उसको खुद रास्ता बना के दे देता है। जो दूसरों के लिए अच्छी सोच रखता है, जो पॉजिटिव सोच रखता है, जो साजिशें करके आगे नहीं निकलता, खुदा ताला ने उसके लिए बहुत अच्छा सोच के रखा होता है। तो कभी मैं ये कहती हूँ आपसे कि कभी दुख ना करें कि देखो मेरी देवरानी या मेरी जेठानी कितनी चलाक है और मैं ही पिसती रहती हूँ, सारे खाने मुझे बनाने पड़ते हैं, सारे घर का काम मुझे करना पड़ता है। देखिए कोई भी साजिश कर अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से सांप सीढ़ी का गेम है, देखा है ना आपने, आगे बढ़ेगा मगर कहीं ना कहीं से वो सांप सीढ़ी की गेम की तरह बिल्कुल नीचे ज़ीरो पर पहुँच जाएगा। तो इसीलिए वो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, हमें उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। किसी को ज़्यादा अकल मिली है, किसी को ज़्यादा चलाकियाँ सूझती हैं, और कोई सीधा साधा होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह होती है। और जब भी मैं किसी की कोई ख़बर सुनती हूँ, कोई बीमार है या किसी की कोई खुशखबरी है, किसी के घर बच्चा हुआ है, शादी हुई है, बंगनी हुई है, तो मैं उसको बहुत अपना फील करती हूँ कि मेरी फैमिली का कोई मेंबर ऐसा है। तो एक हमारे शोबिस फैमिली के मेंबर अली नूर क्रिटिकल बीमार हैं, इस्लामाबाद में हॉस्पिटल में हैं वो, और मैं आप सब लोगों से, अली नूर नूरी हमारे इतने प्यारे प्यारे उन्होंने गाने गाए हैं और इंशाल्लाह गाते रहेंगे, आपसे मुझे ये अपील करनी है कि आप उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें और वो अपने पैरों पे फिर खड़े हों, अपने सुर भरी आवाज़ के साथ हमारे सामने आए। मैं फ़ैन से ये कहूँगी कि इस वक्त प्रूव करने का टाइम है कि आप कितने बड़े फ़ैन हैं, उनके लिए दुआएं करें। जितने बुज़ुर्ग मुझे देख रहे हैं, मैं प्लीज़ आपसे ये इल्तजा करूँगी कि अली नूर की अच्छी सेहत के लिए, वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, उनके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलाती हूँ आपको गुलो गुलजार से। गुड मॉर्निंग। अच्छी दोस्त है खुद से ज्यादा मुझे गुल पर भरोसा है। कैसे मैं बताऊं तुमको प्यार की वो दास्तां, जिंदगी ने खेली मुझसे कैसी ये पहेलियां।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। गुलो गुलजार जो ड्रामा सीरियल आप देख रहे हैं रात 9 बजे 13 जून से 2/1/7 आप देख चुके हैं और तीसरी किस्त देखेंगे आप इंशाल्लाह। मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूँ उसकी कास्ट से और ये चार मेन लीड्स हमारे पास आज मौजूद हैं। इनसे बुला कर पूछेंगे कि क्या होने वाला आगे, जरा सस्पेंस चाहिए होता है ना बंदे को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आइए वेलकम करते हैं, मैं सबको एक साथ बुलाने जा रही हूँ। बुला लूँ एक साथ? हाँ, बहुत दिनों बाद ये मेरे शो पर आएंगे। सबूर तो पहले भी आए हुए हैं, किंजा पहले नहीं आए, पहली दफ़ा किंजा आएंगी मेरे शो पे। पारस भी पहले आए हुए हैं, उमर नहीं आए। तो मेरे पास आज जो गेस्ट हैं आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए, उनमें शामिल है टैलेंटेड सबूर अली, बहुत खूबसूरत किंजा हाशमी, पारस मसरूर एज जमाल और उमर शहजाद एजादिल। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? प्लीज आइए बैठिए, बैठिए जहाँ मर्जी। अब ये क्या सेग्रीगेशन कर दी? दो सहेलियाँ साथ बैठेंगी। मैंने जब प्रोमो देखा ना, मुझे पारस पता ही नहीं चला कि आप आपका गेटअप है वो। जी जी बिल्कुल, चश्मा लगाए हुए है ना। तो मैंने प्रोमो देखा था तो मुझे नहीं अंदाजा हो रहा था कि पारस है, अब मुझे पता चला। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था आपके पास तो वो आंगन की प्रोमोशन थी और उसमें मेरी इतनी बड़ी दाढ़ी थी। गेटअप वगैरह कुछ चेंज था? कैसे आप उमर? ठीक है, आप पहली दफा आए मेरे शो पे और किंजा पहली दफा आए हैं। सबूर तो आ चुकी हो ना? हाँ, लेकिन बहुत बहुत पहले, वो जब मैं छोटी महमूदाबाद की मलकाएं जब शुरू आए। चुपा लो, तुम्हारा पहला ड्रामा था? हाँ, तो वो तब के जमाने में, पारस भी काफी पहले के आया। नहीं कब आया आंगन? जब लास्ट आंगन में यहाँ क्यों? अच्छा, आप एयर वाई वाला आंगन? हाँ हाँ हाँ, अभी तो कासिम मुरीद, कासिम मुरीद डायरेक्टर थे, फायजा इफ्तिखार राइटर थी, कबीर खान साहब आए थे, इरशाद रजा लाई थी, मैं था, अहमद साहब। हाँ हाँ, याद आ गया मुझे, याद आ गया ना। अच्छा जी, तो ये मैंने अभी तक मैंने एपिसोड नहीं देखे, लेकिन मैंने आपके प्रोमोज देखे। मैं इकट्ठे देख लेती हूँ क्योंकि मैं थी नहीं पाकिस्तान में, तो मुझे बड़े प्रॉमिसिंग लग रहे थे आपके टीजर्स और प्रोमोज के। एक था जिसमें तुम्हें धक्का देती हो, मतलब वो ऐसे सिम्बॉलिक बनाया हुआ था ना कि जैसे बालकनी से धक्का दे रही हो, है ना? तुम इसको धक्का दे रही होती हो, तो तुम मासूम वाली हो? नहीं, तुम मासूम, तुम गुल हो, गुलजार हो, और ये गुल है, चलाको मासी ये है। हाँ, ये तुम कहाँ से चलाको मासी लगती हो? बस है ना, ये जरूरी नहीं है जो मतलब चलाक लगे वही चलाक है, मासूम शक्लें आम जिंदगी में हम देखते हैं कि अल्लाह ये कितने मासूम हैं, इनकी हरकतें देखो ये क्या कर रहे हैं। गुन्नी मीसनी, गुन्नी मीसनी वो वाली थी। अच्छा, ये इन दोनों का कैरेक्टर तो हमें आराम से समझ आ रहा है प्रोमो में, आप दोनों का बेसिकली क्या है कैरेक्टर? वन लाइन, आप थोड़े वो माचो मियां वो टाइप नहीं होते, उस टाइप के हैं, हैंडसम सा, जो हर लड़की जो है वो तसव्वुर करती है कि मेरा जो शौहर और रिश्ता है तो ऐसे शहजादा शहजादा है। अच्छा, कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत मार्जिन था इस कैरेक्टर में जब मेरा डिस्कशन हुआ था इस कैरेक्टर को लेकर। अच्छा, तो इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ के जब ये स्टार्ट हुआ है तो बड़ा मतलब लोग बड़े कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके, ये कि गुल के साथ अभी जो इंटरेक्शन है। हाँ, कि ये गुल को टेस्ट कर रहा है। अच्छा, पसंद गुलजार को करता है। अच्छा, तो मतलब अप्रोच खैर डायरेक्ट गुलजार को किया था। है कि लड़कियां हैं मतलब कि क्या है? हाँ, कि चूज कर रहा है इन पे सेफ्टी बताएं जरा। तो पहले अप्रोच पसंद गुलजार को किया है, गुलजार को अप्रोच किया, उसके बाद क्योंकि वो बहुत यू नो मासूम सी है। अच्छा, तो बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, डर जाती है। हाँ, गुल से डिस्कस करती है एंड शी इज गुल, तो उसने कहा मैं हूं ना। असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। हाँ, कि रिश्ता आता किसी का है और ले कोई और उड़ता है, असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। ऐसा होता है बहुत। हाँ, दो बहनों के साथ भी ऐसा हो जाता है यार, अम्मी ने एक बहन को छुपा देती है, चलो रिश्ते भी ऐसा है कि जब इसकी बहन का रिश्ता आता है तो इसको इसकी अम्मी छुपाती है कि तुम छुप जाओ।
हाँ ये पता है, ये असल हमारी मेरी खुद सात खालाएं थी, मेरी नानी खुद ये करती थी। तो ये ड्रामे ऐसे ही नहीं होते, ड्रामे नहीं होते, ये असल जिंदगी चल रहा होता है उसी से लेके बनाए जाते हैं। असल जिंदगी से होता है, खासतौर पर जिस घर में ज्यादा बेटियां होती हैं उसमें तो ये बहुत, मैं आप लोगों से कैसी जनाना बातें कर रही हूँ लेकिन ऐसा होता है, ये फैक्ट है ना। जी पारस, पारस आपका कैरेक्टर वो हुआ है, वो वाला है जो चश्मा लगाए हुए मांग निकले हुए मियाँ होते हैं, सीधी सादी लाइफ गुजारने वाले, 9 to 5 वाले। बिल्कुल आपने सही बताया, ऐसा ही है। इसमें टिफिन लेके जाते हैं घर से। जमाल, जमाल का कैरेक्टर है इसमें और एक बिल्कुल ही सादा सा आदमी है, कबूल सूरज सा, जो वही 9 to 5 जॉब करता है और उसकी एक तरह से लॉटरी लग जाती है कि इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी उसको मिल जाती है। फिर वो सदके वारी जाता है उस पे, लेकिन चूंकि उसकी बेगम जो है उनकी दोस्ती गुल से होती है, गुलजार की दोस्ती गुल से होती है, तो गुल थ्रू आउट उसे जो है बहकाती रहती है, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और दोनों में सेपरेशन होती है और सारे मामले। सारी कहानी बता दी, सारी स्टोरी बता रहे हैं। तो सीधे गए, सेपरेशन तो नहीं है मतलब, नहीं नहीं अगर सेपरेशन होती भी है तो वो आप आंगन की स्टोरी भी शायद साथ लगा, हां साथ में मिक्स कर दिया। अच्छा वैसे अगर मैं पारस से पूछूं, पारस कितना अर्सा हो गया तुम्हें शो बिजनेस में? 15 साल हो गए है ना, काफी अरसे से आते जाते रहे हो, कभी होस्टिंग करते हो। और वो उम्र आपको कितने अरसा हो गया? मुझे पहले मॉडलिंग करते थे, आई स्टार्टेड एज अ मॉडल और अभी एक्टिंग में तकरीबन कुछ 2 साल होने वाले। फिल्म भी की आपने? फिल्म की मैंने, उसके बाद फिर ARY के लिए पहला ड्रामा है। अच्छा ये ड्रामा पहला है? बिल्कुल। तो आपको क्या था कि मतलब अक्सर होता है हमारे यहाँ की जब फिल्म कोई कर रहा होता तो वो कहते हैं मैं ड्रामों में नहीं आऊँ, तो आप ने आप कैसे कन्विंस हुए कि मैं ड्रामा करूं? नहीं नहीं मैं तो करना चाहता था। अच्छा। Because, वैसे तो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, लेकिन जाहिर सी बात है पहला ब्रेक मुझे मॉडलिंग से मिला। उसके बाद फिर जब फिल्म की, खैर प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, मैं ये कहूंगा कि एक्टिंग में या मॉडलिंग में हो, लेकिन लकीली अगर आपको जो है वो टीम और डायरेक्टर अच्छा मिल जाए तो वो एक बड़ा अच्छा एक फैक्टर होता है, स्पेशली एज एन एक्टर। ये कैरेक्टर गुल और गुलजार ने क्यों सेलेक्ट किया? चलो भाई आज पूछते हैं, बताओ क्यों सिलेक्ट किया तुमने गुल? मुझे बहुत मार्जिन नजर आया, मुझे बहुत मजे से, मुझे पता था मैं कुछ भी कर सकती हूँ इसमें। और मासूम में होता है ना कि आप रो लिए, बहुत कर लिया था मासूम, मैंने नेगेटिव भी बहुत किए हैं लेकिन मैंने हमेशा नेगेटिव करके ही इंजॉय किया है ज्यादा। तो मैंने कहा जरा मैं अपने अंदर देखूं कि और कितनी नेगेटिविटी है, क्या कुछ मैं निकाल सकती हूँ अंदर, क्या बताओ। जब आप कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहे होते हो तो क्या कभी आपको ऐसा फील होता है कि आप असल जिंदगी में कभी कभार किसी के साथ नेगेटिविटी कर जाते हो, वो इतना सवार हुआ हुआ होता है, ऐसा होता नहीं जाते? लेकिन मैंने जैसे गुल किया है ना तो मुझे ये फील हो रहा है कि ना मैं अदाएं बहुत मारने लग गई हूं जिंदगी में। हाँ जैसे गुल है ना तो मुझे हो रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ यार, रोको ही, क्या हो रहा है। अच्छा ये कुछ दिन पहले मुझे ये बता रही थी कि मुझे गुल करने के बाद ऐसे लग रहा है कि मैं गुल ही हो गई हूँ, मुझे ना फील होता है थोड़ा थोड़ा कि मैं हो गई हूँ ऐसे। क्योंकि मैं अक्सर एक्टर्स यहाँ आते हैं जब भी ड्रामा प्रमोशन होती है तो ये कहते हैं कि हमारे पास सवार हो गया कैरेक्टर, तो वही ये तो बड़ा खतरनाक चीज है तुम्हारे पास सवार हो गया, तो अच्छा गुड न्यूज़ करना पड़ेगा थोड़े दिनों में सुनने को कि सबूर का भी हो गया रिश्ता तय ऐसा जल की तरह है। आमीन आमीन, दुआ जरूरी है, दुआ। हाँ ना सही है, दुआ है। एक साथ दोनों बहनों की नहीं होगा तो छीन लेगी अल्लाह ना करे। किंजा ने क्यों सिलेक्ट किया इतना मासूम कैरेक्टर? और मैंने इससे पहले इश्क तमाशा किया था, उसमें नेगेटिव था। हाँ तो तुम्हें वैरायटी मिली। फिर उसके बाद मैंने जब ये कैरेक्टर पढ़ना शुरू किया तो गुलजार जो कैरेक्टर है वो इनोसेंट है और पॉजिटिव है, लेकिन बीच में वो नेगेटिव भी होती है, उसके शेड्स हैं, बातों में आ जाती है ना, कच्चे गानों की बातों में आ जाती है, नेगेटिव हो जाती है। तो इसमें मुझे लगा कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं और मुझे मार्जिन बहुत ज्यादा मिलेगा एक्टिंग करने का, एक ही फेज नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव हूँ, रो रही हूँ ये वो। तो मुझे लगा कि इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफी हेल्प आउट किया हम सबको। जी साकिब, साकिब भाई। और डायरेक्टर एक अच्छा होना मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए ब्लेसिंग है और हर डायरेक्टर से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो साकिब भाई से भी हमने बहुत कुछ सीखा है, उनसे ये सीखा है कि एक ही कैरेक्टर में आप कितनी वेरिएशंस ला सकते हैं, एक सीन में आप कितनी वेरिएशंस ला सकते हैं। एग्जैक्टली हर लाइन के बाद वो हमें बताते थे कि नहीं ये वाली लाइन इस तरह नहीं बोलेंगे आप, अब आपने ये बोल दी तो इसके बाद ये आएगा मूड आपका। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हम सभी को किया है।
और तुम्हें कितना अर्सा हो गया किंजास फील्ड में? मुझे 6 साल। तुम्हें और सबूर तुम्हें तो टाइम ज्यादा हो गया। 10 साल। अरे भाई सीनियर रहती है। उम्र का अंदाजा लगा लेंगे लोग, बदतमीज उम्र। अच्छा वैसे अक्सर ऐसा होता है जब मॉडलिंग इंडस्ट्री से आते हैं एक्टिंग की तरफ थोड़ी सी ना प्रॉब्लम सही नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप मॉडलिंग कर रहे होते हैं कैटवॉक पर वॉक कर रहे होते हैं तो आपका आपके चेहरे पे इतनी कोई खास एक्सप्रेशन रखने को मना किया जाता है, क्या ज़्यादातर तवज्जो फिर कपड़ों पे जाए। तो आप जब आप मॉडलिंग से टीवी पे या फिल्म में आए तो फिर आपको कितनी मुश्किल हुई एक्सप्रेशन? मेरे लिए वाकई बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि मैंने ये चीज़ें डिफ़िकल्टीज फेस की, क्योंकि जब मैं शुरू में आया तो ये एक चीज़ थी दिमाग में ना कि मॉडल्स जो हैं वो दे कैन नॉट एक्ट, वो एक्टिंग नहीं कर सकते, स्टिफनेस होती है। हाँ भाई कपड़े कैरी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सही है, एक फैशन में अपना एक एक चार्म है। जब आप रैंप पर आते हैं आप कपड़े सही से कैरी करते हैं, सब लोग आपको देख रहे होते हैं, उसका एक अपना चार्म है। तो नो डाउट वो चीज़ कैरी करते करते आप में एक आ जाती है स्टिफनेस, लेकिन डीप डाउन जो है वो जब कमर्शल्स किए मैंने, क्योंकि मैं वो चीज़ करना चाहता था, वो मुझे खुद पता था कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा। और जब मैंने फिल्म की, फिल्म करने के बाद वो इतने सीनियर एक्टर्स के साथ, वो एक बड़ा चैलेंज था कि सबके साथ, हुमायूं भाई, फहद भाई, इन सब के साथ। तो मैंने वाकई बहुत मेहनत की फिल्म में, और फिल्म के बाद जब लोगों ने राइटअप्स लिखे तो उसमें एक जो है वो ब्लॉगर ने एक राइटअप लिखा था, उसका टाइटल ये था कि उमर शहजाद प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट मॉडल्स कैन एक्ट। तो वो तो वाकई मेरे लिए एक अचीवमेंट थी उस चीज़ के लिए। और फिर सबने ही जो है वो फिल्म देखी थी, जाहिर सी बात है ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद फिर ये मुझे ड्रामा ऑफर हुआ। उमर और मेरे सीन्स बहुत ज़्यादा थे और मुझे पता था कि अब जिसके साथ सीन्स जाते हैं तो आपको थोड़ी टेंशन होती है कि वो कैसा एक्टर होगा, लेकिन जब मैं गई हूँ तो और मैंने सीन्स किए हैं तो मुझे पता चला कि वाकई इसको डिटेल्स पता है कि डिटेल्स वाला काम कैसे होता है, और बहुत अच्छा उमर ने किया। चलिए बहुत अच्छा, ये अलग बात है कि मुझे यूं करके उमर के साथ काम करना पड़ता था। और मैं वाकई हमारे कुछ सीन्स ऐसे होते थे तो और हमने वो मतलब हम जब फ्रेम में आते तो ये चीज़ें जाहिर सी बातें थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन हमने अपनी परफॉर्मेंस और मैं कहता था बस तुम अपना एक्ट करो मैं अपना एक्ट करूंगा, और परफॉर्मेंस से ही हम जो है ना उस सीन को। टू शॉट होता होगा तो क्या होता होगा, या तो डब्बा स्क्रीन पे रखा जाता होगा। हमने लेकिन ऐसे किया, लेकिन हाइट वाइट का कुछ किया, लेकिन वाकई में हमने इतना कैरेक्टर में रह के और अपनी परफॉर्मेंस पे इतना फोकस किया, हमने इस चीज को ध्यान ही नहीं दिया। और ये भी था ना, ये पिद्दी सी है, छोटी सी है, कैसे इसको नचा के रखा हुआ। अच्छा तो आप लोगों की भी लाइक सीन्स इकट्ठे थे, तो आप जाहिर है माशाल्लाह पारस की तो एक्टिंग हमने पहले भी देखी हुई है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, किंजा भी अच्छी एक्ट्रेस है, तो दोनों की केमिस्ट्री कैसी आप लोगों को मतलब लाइक रही? मैंने पारस भाई का पहले एक प्ले देखा था और जब मुझे पता चला कि मेरे साथ ये होंगे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी थी कि इनसे सीखने को मिलेगा मुझे। और जब हम सीन्स करते थे तो ये भी मुझे कुछ ना कुछ बताते थे, छोटे छोटे थिएटर के ये कर लो। थिएटर से आए हो ना? जी जी थिएटर से। हाँ तो इंस्टीट्यूट होता है थिएटर तो जाहिर है। और अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि ये पढ़ाते भी है ना इकरा यूनिवर्सिटी में, टीचर भी है, और फिर इन्होंने सीन्स में भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो थैंक यू। इन्होंने भी खुद बहुत अच्छा परफॉर्म किया नो डाउट, क्योंकि हमेशा ज़्यादा अच्छा मज़ा तभी आता है जब सामने से जो एक्टर है वो भी भरपूर परफॉर्म कर रहा हो और आपको प्रॉपर रिएक्शंस दे रहा हो। और फॉर्चुनेटली इन सब ने जैसे कहा कि साकिब खान खुद एक बहुत ज़बरदस्त एक्टर हैं, तो बीइंग ए डायरेक्टर उन्होंने जिस तरह से हमें सीन एक्सप्लेन करते थे, अक्सर क्योंकि एक एक्टर तो खुद भूल जाता है अक्सर, हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं अपने धुन में होते हैं या इमोशन। अच्छा, साकिब नापा वाले? जी जी। अच्छा, मैं वो डायरेक्टर का नाम पढ़ रही थी तो मुझे नहीं पता ये नापा वाले साकिब। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वी बीन क्लासमेट्स, तो नापा में भी हम साथ ही थे, साथ ग्रेजुएशन किया, वो डायरेक्शन की तरफ ज्यादा चले गए और मैं परफॉर्मेंस एक्टिंग की तरफ, तो ये मेरा एक देरीना ख्वाब भी था कि कभी कोई ऐसा दिन आए, टाइम आए कि हम जब स्टूडेंट्स थे, दोस्त यार थे, तो उस वक्त हम ये सोचते थे कि यार आपस में हम काम करेंगे, तो वो दिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह कि he was directing and I was acting। अच्छा, अभी भी आप देखें
तो घर वालों को कन्विंस करके शो बिजनेस में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। किंजा, तुमने घर वालों को कैसे कन्विंस किया कि मुझे तो भाई शो बिजनेस में जाना, मुझे तो एक्टिंग करनी है? हाँ, मैंने अपनी अम्मी से कहा था कि मुझे गाना गाना है। अच्छा, तुम्हें आता है गाना? नहीं, अब तो बता दिया, मुंह से अब तो बता, नहीं नहीं, अच्छा नहीं, पूरी पूरी बात तो सुने ना, बात बात कि मैंने उनसे कहा कि मुझे गाना गाना है, तो मम्मा ने कहा अच्छा ठीक है, वो तो रिकॉर्ड करना होता है स्टूडियो में, तो फिर तो आ जाए बंदा घर पे और किसी को पता भी ना चले किसकी आवाज है ये वो। तो मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मम्मा ने उसकी इजाज़त दे दी। अब वो जब 6 महीने किया, उसका बहुत ट्राई किया, सीखा सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। मुझे उसके उसी दौरान एक ड्रामा मिल गया और मैंने कहा कि ड्रामा कर लेती हूँ, इसके बाद मम्मा सच में मैं सिंगर बन जाऊँगी, मुझे कुछ ना कुछ। मम्मा ने कहा अच्छा चलो ठीक है ड्रामा कर लो, ड्रामा कर लिया। तो उसके बाद ड्रामा किया तो मुझे एक्टिंग ज़्यादा अच्छा लगना शुरू हो गया। मैंने कहा यार उसमें तो नहीं हो सकता, आपको सीखना पड़ेगा, और अगर कभी किसी ने पूछ लिया कि ये वाला राग सुनाओ या ये करो तो मैं तो नहीं सुना सकती। फिर एक्टिंग से ज़्यादा प्यार हो गया, एक्टिंग करना शुरू किया। बाकी अगले ड्रामे के लिए अम्मी को कैसे पटाया? फिर अगले ड्रामे के लिए इस तरह से पटाया कि अम्मी मुझे ना मैं ना सैड हो जाती थी बहुत ज़्यादा। बीच में रिजेक्शंस भी हुई थी मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं छोटी थी, जहाँ पे भी जाती थी सब कहते थे कि नहीं आप तो इस कैरेक्टर में नहीं अच्छी लगेंगी, अभी तो आप छोटी हैं, आप बच्चों वाले कैरेक्टर्स चेक करें। तो मैं वापस आती थी, अम्मी साथ जाती थी मेरे, तो मैं वापस आके रोती थी बहुत ज़्यादा ना, और मैं कहती थी आपकी वजह से हुआ है, आपने उनको क्यों नहीं बोला कि मुझे ले। तो मम्मा कहती थी मैं क्या इसमें कहूँ, मैं कैसे कहूँ कि तुम्हें ले, वो तो बेटा उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसी के हिसाब से लेंगे तुम्हें। तो मैं आके बहुत ज़्यादा उनके साथ लड़ती थी, लेकिन मेरी अम्मी को भी बहुत ज़्यादा थैंक्स कि उन्होंने मुझे बहुत बर्दाश्त किया हुआ है। फिर जब वो वाली चीज़ें देखती थी ना, तो वो कहती थी कर ही ले एक्टिंग, क्योंकि इसने तो मेरे ही अजाब किया हुआ है जान। तो फिर वो, और जब मुझे कराची आके काम करना था, क्योंकि तुम कहाँ पे? लाहौर से हो? अच्छा, मैं लाहौर से थी। अच्छा, तो तब भी बहुत मसले मसाइल हुए थे, लेकिन फिर उसके बाद ठीक हो गई। तो अभी फैमिली तुम्हारी लाहौर में, तुम कराची? नहीं, मामा भी साथ हैं। मामा भी साथ हैं, चलो ये अच्छी। सबूर, तुम्हारी क्या स्टोरी है यार, तुम कैसे आए 10 साल पहले? सबूर कैसे इतनी पुरानी स्टोरी है, खुद भी याद नहीं रही है सही से। लेकिन मुझे तो खैर कभी शौक था ही नहीं। सज्जल को शुरू से, मैं तो घर में भी इतना नहीं बोलती थी, मुझसे बोला नहीं जाता था, लेकिन मम्मा ने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं तुम करोगी। ऑडिशन देने जबरदस्ती लेके गई, कहती वो एक कर रही है तुम नहीं करोगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। वो पहुंचती जा रही है आगे, तुम यूं बैठी हुई हो। तो खैर मुझे जबरदस्ती लेके गई, मैं मुंह बना के बैठी हुई थी, नैन मने आए थे उन्होंने ऑडिशन लेने था, मैंने कहा मुझे नहीं करना, कहते अब तो मैं तुम्ही से करवाऊंगा। तो वो मुझे इसी तरह ना मेरा ऑडिशन हुआ ना कुछ हुआ, और इसी तरह बस फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी। तुम्हारे अंदर उतना शौक नहीं था जितना सज्जल के अंदर था, बिल्कुल। तो बस अम्मी के कहने पे, सज्जल के कहने पे करती। अब किया है तो अब शौक, अब जब अच्छा, जब एप्रिसिएशन मिलती है तो कहते हैं और अच्छा करके दिखाओ। तुम छोटी भी तो हो ना सज्जल से, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान मैच्योर होता है। हाँ, लेकिन इतना डिफरेंस है नहीं, है 1 साल का डिफरेंस है हम। और मैच्योरिटी तो शायद मुझ में ही ज्यादा है। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान गुलो गुलजार की कास्ट के साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद। बुराई आपकी बेटी में, इसीलिए आपने सोचे समझे बगैर किसी के साथ भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। इस लड़की को ब्याह के मत ले जाओ आप लोग अपने घर, मोहल्ले के कई लड़के इसके चक्कर में फिरते रहते हैं। क्या फायदा होगा ऐसा मेडिकल पढ़ के जब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे हाथ पे नहीं रहेगा। I'm
मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी अपनी जेबा भाभी को? आपके कहने पे मैंने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। किसने कहा था कि एतबार करो? आज से एतबार, भरोसा, यकीन सब खत्म। एक वक्त में दो लड़कियाँ अच्छी लग सकती हैं। एक वक्त में तो 100 लड़कियाँ भी अच्छी लग सकती हैं। तू गुलजार वाली बातें कर रही है। मैं तुझे पढ़ने भेजता हूँ कि इश्क बाजियों के लिए भेजता हूँ? किसी लड़की की बात पर यकीन करके अपनी बेटी पे हाथ उठा रहे हो? तुम कहीं किसी लड़के से तो मिलने नहीं गई थी? तुम मुझे समझती क्या हो? अपने आप को बहुत शरीफ और मुझे कैरेक्टर लेस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप आज मिल रहे हैं मेरे शो पे गुलो गुलजार की कास्ट से, जो आप थर्सडे की रात 9 बजे ड्रामा देखते हैं। आज उसका थर्ड एपिसोड चलेगा है ना? थर्टीन से शुरू हुआ था ना, हिसाब लगा लो। फोर्थ है आज, फोर्थ है। अच्छा, फोर्थ एपिसोड आज ऑन एयर होगा। और अभी एक प्रोमो की लाइन थी, एक वक्त में 100 लड़कियां भी अच्छी लगती हैं। आपने तो सारे मर्दों, खासतौर पर पाकिस्तानी मर्दों के दिल की बात कह दिया। मुंह पे नहीं कहता अपने दिल का हाल पूछे। एशियन मर्दों की नहीं, सारे मर्द इंटरनेशनली, उनके दिल की यही बात है। अच्छी अच्छी लगने में तो कोई बुराई नहीं है। अच्छी लग अच्छी हैं तो अच्छी लगती हैं। आप समझ नहीं सकते। वाह भाई, बहुत बड़े दिल हैं। वाह भाई, देखो जरा। ये अभी मुझसे सबूर कही थी, क्या एक वक्त में 2 लड़कियां अच्छी लग सकती? मुझे क्या पता, मैं मर्द थोड़ी हूँ। मुझे क्या सबूर मुझसे कह रही है, पूछ रही है। बताओ उमर, बताएं बारिश भाई। हाँ हाँ, बिल्कुल लग सकती हैं इसमें। अच्छी लगने में लगी आपको? अच्छी लगने में कोई बुराई नहीं। एक वक्त में मतलब अब आप सब लोग अच्छी लग रहे हैं। अच्छा तो हर लड़कों का सबसे पहला क्रश तो उनकी टीचर्स होती है ना? नहीं, डिपेंड करता है, क्लासमेट्स भी हो सकती हैं। ये तुमने सोचा नहीं है। लेकिन टीचर होते हैं, टीचर्स होती हैं। एक्चुअली मुझे ग्रोइंग एज होती है उसमें ना, लड़के और लड़कियां उनकी दोनों की शक्लें कोई खास नहीं होती। टीचर तो तैयार होके आती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, है ना? टीचर बड़ी अच्छी मेकअप वेकअप करके, कपड़े शपड़े अच्छे पहन, मोटिवेशन होता है, पढ़ने को दिल चाहता है। और किसी टीचर का होमवर्क किया होता है, रज के होमवर्क करना है ना उनको, कोई शिकायत नहीं देनी होती ताकि वो खुश रहे, क्योंकि वही एक चीज थी जिससे इम्प्रेस किया जा सकता है। वरना तो इसका मतलब स्कूल वाले अगर सुन रहे हैं, प्रिंसिपल्स वगैरह या एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो टीचर्स लड़कों के स्कूल में खास खूबसूरत और इस तरह की होनी चाहिए? मतलब होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बस मतलब ये है कि पढ़ा लें अच्छा तो वैसे खूबसूरत लगने लगती है। पढ़ा लेने से काम नहीं चलता, पढ़ना खुद भी तो होता है भाई। असल बात तो पढ़ाना है ना। अच्छा, मैंने तुम दोनों से तो पूछा कि तुम लोग कैसे आए शो बिजनेस में, और मुश्किलें, लड़कों को भी प्रॉब्लम होती है आपको पता है, रिश्ते नहीं मिलते शो बिजनेस में लड़का है, और अदाकारों को तो वैसे बड़े मुश्किल से बड़े किसी को रिश्ते नहीं मिलते, किसको लड़की कौन देगा शो बिजनेस, कैरेक्टर पे चले जाते हैं फौरन। लड़की के वालिदैन पूछते हैं, खासतौर पे अब्बा जो होते हैं, पूछते बेटा आप क्या करते हैं? तो बोले जी मैं एक्टर हूँ। वो तो आप हैं लेकिन काम क्या करते हैं? ये सवाल सबसे होता है, सबसे होता है। आपको कैसे आने दिया पेरेंट्स ने, क्या आपने कहा? मैंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की। अच्छा। मैंने जॉब भी की। अच्छा, आपने कहाँ जॉब की? एक फर्म में मैंने मल्टीनेशनल में जॉब की। अच्छा, ऑपरेशंस में। अच्छा, उसके बाद फिर मैं फील्ड में आया, और ऑब्वियसली अम्मी को कन्विंस करना पड़ा कि वो, उनके दिमाग में यही था कि ये फील्ड ऐसी हो रही हो, क्योंकि पूरी मतलब फैमिली दूर दूर तक कोई भी जो है वो इवन दोस्त भी फील्ड में नहीं थे। अच्छा, तो मैंने कहा मेरा शौक है, मैं करना चाहता हूँ ये वो। उन्होंने कहा ठीक है, अपना शौक तुम्हें करना है तो पूरा कर लो ये वो, लेकिन इतना आसान नहीं है, और इन चीज़ों से दूर रहना, उन चीज़ों से दूर रहना। हाँ, ये तो होता है ना, नसीहतें। तो वो जाहिर सी चीज़ों से, लोगों से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो वाकई वो फिर अच्छा, कुछ अम्मियाँ ना शो बिजनेस में आने से पहले मंगनियाँ कर देती हैं पकड़ के, खाला की बेटी से, पप्पी की बेटी से। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है सीन? नहीं नहीं, वो तो मुझ पर ही छोड़ा के। अच्छा, नहीं तो अक्सर मैंने देखा है कुछ बच्चे शो बिजनेस में आ रहे होते हैं, चलो जी शरियार मुनव्वर की भी मंगनी कर दी अम्मी ने पकड़ के। लेकिन ये होता है, पता है, खानदान में जब किसी को, खास तौर पे खानदान में टीवी पे किसी को देख लेते हैं ना, तो फौरन से बात चलना शुरू हो जाती है कि इसके साथ रिश्ता करते हैं उसके साथ। तो खानदान में मेरे ख्याल से ज्यादा आसान होता है जब आप फील्ड में होते हैं। हाँ, करना खानदान वाले ज्यादा आपके दिमाग में डाल रहे होते, ये अच्छी लग रही तुम्हारे साथ, ये सही है, ये सही है, बिल्कुल ऐसे, ये ऐसा होता है। अच्छा सबूर, तुम्हें सज्जल के बारे में कब पता चला? मतलब
होता माशाल्लाह मंगनी हो गई सज्जल और आहत की। हाँ, नहीं तो वो तो बात ही इसी तरह से हुई थी कि डायरेक्ट तुम लोगों ने बाबा को कॉल की थी और अच्छा। आहत भाई मिलने गए थे लाहौर बाबा से, तो सुई तो वो तो बस झटपट हो गया। जैसे तुम्हारा कितना हाथ है ये रिश्ता करवाने में? मेरा हाथ कन्विंस भी तो करती ना बहने, अच्छा हाँ, है, करना पड़ता है हाँ, कर दो। क्योंकि सजल बड़ी कंफ्यूज और डरी हुई हाँ। थी इस चीज को लेके हाँ। लेकिन उसको समझाया और उसने खुद भी देखा हाँ। सबने देखा हाँ। कि वो तो अरे यहाँ आया था हमारे शो पे जब आहत तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसकी बहुत अच्छी परवरिश हुई है, बहुत अच्छे आहत भाई, आंटी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छे है। वो हमें कमी महसूस इतनी होने नहीं देती है मम्मा की, बहुत स्वीट। बहुत हम लोग बहुत खुश हुए थे जब हमें खबर, माशाल्लाह से बहुत सही दुआएं उन दोनों के लिए, आंटी अंकल के लिए, आहत के अम्मी अब्बू के लिए, तो वो बहुत खुशी महसूस हुई। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब शोबिज़ में जो लड़कियां हैं उनकी जब शादियां हो रही होती है तो मुझे बहुत खुशी और अच्छी जगह अपनी बच्चियाँ हैं, अपनी बहनें हैं, और अच्छी जगह। अब तुम्हारा नंबर साफ, अब तुम्हारी बारी। नंबर पहले भी साफ था मेरा, हमारे ये नहीं कि पहले किसकी बड़ी की हो या छोटी की हो, लेकिन क्या हुआ कि बातें जा रही है ऐसी बातों पे थोड़ा प्रटेंड करना पड़ता है ना कि हाँ हमें शर्म आ रही है, मछली की लड़की है। अच्छा थोड़ा थोड़ा शक हमें तो था सज्जल और आहत का, तुम्हारा कोई शक कभी नहीं होता यार, तुम बड़ी कंट्रोल रखती हो अपने जज्बात को। बताती नहीं है सबूर, सबूर बताती नहीं है हाँ? कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं, अच्छा ही है बताती हाँ, कुछ नहीं हाँ, समझा दूंगी वैसे, लेकिन हुआ नहीं कुछ ऐसा भी। ना मैं तो पकड़ लूंगी, मैं बहुत तेज और हूं उस मामले में। अच्छा किंजा तुम बताओ, तुम्हारा तुम्हारी क्या एम्बिशंस हैं, क्या शादी करके फैमिली बच्चे बच्चे, या फिर तुमने कुछ बहुत ज्यादा काम करना है, फिल्मों में जाना है, क्या एम्बिशन है तुम्हारे? मेरी ऐसे कोई प्लान्स नहीं है हाँ। जो नसीब में लिखा हुआ है वो खुद ब खुद होता जा रहा है, हो जाएगा हाँ। तो मैं इसी पे बिलीव रखती हूँ, मैं कुछ प्लान नहीं करती पहले से। अच्छा। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा है, तो मुझे प्लान करने की क्या जरूरत हाँ। है उसमें? ख्वाहिश तो होगी कोई कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने ये करना है। अभी तो सिर्फ काम करना है मुझे हाँ। और बहुत सारा काम करना है हाँ। तो क्योंकि मुझे एक्टिंग ना, मुझे खुद भी ऐसे लगता है कि मुझे एक्टिंग से सुकून मिलता है हाँ। मुझे इतनी अच्छी लगती है कि मैं घर पे अगर एक दिन बैठ जाऊँ तो मुझे ना होता है कि यार आज शूट पे चली ही जाती, किसी और को कह देती कि शूट कर लो। इवन कि मैं संडेज पे भी शूट कर लेती हूँ, काफ़ी लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं कि तुम संडे दे देती हो इसलिए हमें भी आना पड़ता है। तो मैं कहती हूँ संडे पे मैं घर बैठ के क्या करूँगी, इससे बेहतर है कि आप काम करें हाँ। तो अभी तो बस यही है। अच्छा घर वाले पारस जी जी। ये सारा सवाल ये एक्चुअली कॉमन सवाल है आप चारों से, घर वाले आपकी किन तीन आदतों से परेशान हैं? घर वाले अम्मा अब्बा तो मुझसे परेशान नहीं है। अच्छा तो किसी क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल अब उनको समझ में आ गई है, तो उन्हीं को ही समझ में आई हाँ। कि ये बच्चा आर्टिस्ट है तो इस पे जरा, और मेरा मिजाज शुरू से है कि मैं बाउंड नहीं रह सकता। अच्छा तो अब घुमा फिरा के बात वहीं आएगी हाँ। तो शिकायत एक ही हस्ती होती है जिसको बेगम तो मेरा लेट नाइट शूट करना ऑब्वियसली देर से एक आना आदत हाँ, देर से आना तो लेट नाइट वो करना। वो उस पे थोड़ी वो उनको होती और है। दूसरी आदत फिर वो उनसे अब कंसल्ट करना पड़ेगा कॉल। अच्छा? याद ही नहीं, इतने परफेक्ट आपको पता हाँ, मैं क्योंकि ना मेरा खाने पीने का कोई टेंशन है हाँ, ना कोई घर पे लाते होगे भाई, अक्सर हस्बैंड्स तो यही करते हैं घर पे लाते होगे हाँ, तो बस उनका यही है कि मैं बस देर से अपने काम में ज्यादा बिजी रहता हूँ हाँ, तो बस टाइम नहीं दे पाता हूँ कभी कभार, तो बस एक ये मेजर शिकायत ही, और कोई खास शिकायत नहीं है। फोन वोन कभी चेक किया है या कोई फोन वोन चेक करने की जरूरत ही नहीं, सामने पड़ा होता है, कोई कोड वर्ड नहीं, कोड वर्ड तो है ऑब्वियसली, बच्चे घुस के पता नहीं कुछ भी करते हैं और हाँ। कभी चोरी हो जाए खुदा ना खास्ता तो कल इतनी हंसी आई, मेरे मियां इतने कोड लगाते हैं फोन पे, कल खुद का कोड ही भूल गए फोन का कोड भूल गए, कह रहे यार फोन ही नहीं खुल रहा क्या करूं, वो पता नहीं कोई प्रॉब्लम हो गई फिंगर से नहीं खुल रहा था, मैंने कहा और लगाओ कोड और लगाओ कोड अब रात भर ऐसे ही बैठे मैं बगैर फोन के, तो आदत होती है ना कि एसएमएस करी। और मेरा वैसे मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बेगम अपने शौहर पे शक करती है तो उसके शक में और बढ़ावा कर देना चाहिए। ये क्या हाँ, मतलब वो शक करती रहे, मतलब आप कुछ भी एक्सप्लेन करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है तो आप शक बढ़ा दें, करती रहे।
यही तो मन था मॉर्निंग शो में ज्यादातर लोग खवातीन तो मैं सबसे कह रहा हूँ जो भी खवातीन अपने शौहरों पे शक करती हैं पहली बात तो वो अपना टाइम जाया कर रही हैं अच्छा दूसरी बात ये है कि अगर वो शक कर रही हैं और शौहर अगर उनको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं नहीं बेगम ऐसा कुछ नहीं है तो उसका मतलब है कि है और उनको पक्का हो जाएगा कि हाँ ये है तो इसलिए तो क्या कर रहे हैं भाई कर रही हैं तो करते रहने दें वो तो आदत है आदत का क्या कर सकते हैं ये क्या बात हुई पारस की है बारह घर जाओ तुम जरा आज तो मैं रोज घर जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरा कोई मसला नहीं वेरी गुड ये देखो जरा उम्र से क्या तीन शिकायतें घर वालों को सबसे पहली शिकायत तो खाने की ही है खाना नहीं खाते खाना खाता हूँ लेकिन मेरा खाना जो है वो सबसे ज्यादा अलग ही होता है क्योंकि नॉर्मल खाना होता है वो प्रोटीन और ये सारी चीजें ना तो मम्मी कहते हैं मेरा बेटा कैसा सूख गया पराठे नहीं खाए आपका ताल्लुक पंजाब से है कि कराची से कराची से अच्छा लेकिन ये पराठे और ये सारी मुझे बड़ा शौक है मुझे नाश्ता ही मैं जो हूँ पराठों से शुरू करता था वो माँ माँ का दिल है ना तो कहती हूँ लेकिन बस अब जाहिर सी बात है थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है फिर वो अपने आप को पराठे फौरन टीवी पे नजर आने लगते हैं फौरन नजर आने कहाँ कहाँ से वजन तो आपका फौरन फौरन पता चल जाता है ना और फिर आप जब वैसे ही फैशन शो कर रहे हो या शूट कर रहे हो कपड़ा जरा सा यहाँ से तो वो डिजाइनर तो फौरन आपको ताना कहते हैं क्या क्या तुम खा कर योर मॉडल हाँ. इतने तो उस चीज को एक तो ये हो गया खाने की शिकायत दूसरा ये कि I'm very lazy अच्छा when it comes to मतलब घर के काम और सारी चीजें कभी डबल रोटी अंडे नहीं लाके दिया अम्मी को ये मतलब इस तरह होता है कि मैं शूट पर होता हूँ तो वापसी में मेरे रास्ते में हुआ तो मैं ले दही लेकर आना बेटा आधा किलो दही ले आना अपनी ग्रोसरी में खुद करता हूं तो लेती आना लेते आना अपनी ग्रोसरी में खुद करता हूं क्योंकि मेरी जो चीजें वगैरह हैं तो और ज्यादा ये होता है कि अपने तो तुम सामान ले आते हो और जब घर की किसी घर के किसी चीज की बारी आती है तो तुम जो लेजी हो जाते हो ये देखो जरा ये दूसरी तो ये हो गई शिकायत तीसरी शादी कर लो बेटा शादी कर लो ये तो अब करनी ही है देखो ये लड़की तुम्हारे साथ कितनी अच्छी लग रही है इससे कर लो हां ये भी है और दूसरा मतलब वही फैमिली को टाइम ना देना दोस्तों में ज्यादा अगर जैसे शूट के अलावा मतलब ये होता है टाइम मिलता है तो मैं मेरी अम्मी को ये होता है कि फोन नहीं उठाती मैं टाइम पे और मुझे ये होता है कि जब मेरी टीम कह रही है ये हमें भी शिकायत है और जब मैं देखती हूँ तो अच्छा मुझे कॉल से बहुत नफरत है अच्छा मुझे कॉल आती है मैं काट के मैसेज करती हूँ हाँ बोलो क्या बात है मैं फोन नहीं उठा सकती मुझे कॉल्स आती है ना तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ मैं नहीं कॉल उठाती अच्छा और मम्मा की हमेशा ये होता है कि उनकी उठानी होती है लेकिन मिस हो जाती है और जब मैं देखती हूँ तो मम्मा भी जान बूझ कर मैं उनको हमेशा कहती हूँ जब 10-12 कॉल्स आई होती हैं तो मैं कहती हूँ आप जान बूझ के मुझे जब मैं एक दफ़ा नहीं उठाती है आप 10-12 करती हैं एक एक कॉल करती हैं और फिर मुझे कहती हैं मैंने 10 दफ़ा कॉल किया तुमने नहीं उठाया ताकि मुझे ना पकड़ सके और फिर डांट सके लेकिन एक तो ये शिकायत हो गई तुम्हारे फोन नहीं उठाना दूसरी और दूसरी खाने से रिलेटेड होती है उनको वो भी तुम भी कम खाती हो नहीं मैं क्योंकि बाहर का खाना ज्यादा हो गया है तो वो कभी घर पे बनाती हैं तो मैं कहती हूँ क्या बना है अच्छा चले मैं मेरा तो दिल नहीं चाह रहा तो कहती हूँ मैंने पूरा दिन लगा के बनाया और तुम कह रहे मेरा दिल नहीं चाह रहा यही खाओगी अब तो एक ये होती है उनकी और बस ये दो ही है और ज्यादा कुछ और ज्यादा वो कुछ बोलती है सबूर की सबूर से सज्जल को क्या शिकायत होती है सज्जल को ये शिकायत होती है कि ना तुम हर एक को दोस्त समझ लेती हो हर एक दोस्त नहीं होता ट्रस्ट नहीं किया करो और बाबा को यही होती है कि फोन नहीं उठाते तो मैं कहती हूँ बाबा बहुत बिजी थी कहते हैं आगे से खाना खाया है ना आज सब किया है ना तुमने एक सेकंड नहीं होता कि फोन कर लो कॉल बैक कर लो तीसरी इतनी शिकायतें नहीं देती भाई को कोई शिकायत नहीं होती नहीं भाई मुझसे सही है उसको ओके रखा हुआ है हां वो सेट है तो भाई दोस्ती ज्यादा किससे है सज्जल से कि भाई से तीन सिब्लिंग्स हो ना तुम तीन बहन भाई अली से है मेरी बहुत उससे जरा बड़ा मेरा अच्छा कनेक्शन है सज्जल से भी है लेकिन सज्जल से ना जब हमारा तब ज्यादा इंटरेक्शन होता है जब हम बिल्कुल किसी चीज में फंस जाते हैं ना सज्जल भी तो फिर आती है सबूर तो वो मुझे समझ उसके सबूर से समझ आ जाता है कि अब तो बैठना पड़ेगा इसके पास तो ये चीज तुम कितने बहन भाई हो मैं एक ही हूं तुम एक इकलौती नो भाई नो बहन सारा फोकस आप पारस कितने पांच भाई दो बहन है माशाल्लाह और उमर दो दो भाई तीन बहन है दो भाई तीन बहन और आपका नंबर
सेकंड लास्ट नहीं तो आप तीनों में से आप सब में से छोटा कौन है? तुम तो इकलौती हो सेकंड में. हाँ क्या मतलब वैसे? अच्छा हम चारों में से? नहीं नहीं मैं उम्र थोड़ी पूछूंगी तुम्हारा ख्याल. मैं उम्र पूछूंगी आप मॉर्निंग शो पे बुला के आपकी कितनी उम्र है ताकि मैं मुझे भी बता दूं. मतलब कि बहन भाइयों में सब मिडिल में है ना? कोई भी जो सबसे ज्यादा पिसते हैं ना बीच वाले, अरे बेचारे कॉम्प्रोमाइज ही उनको करना पड़ता है. वैसे बीच वालों की कोई औकात नहीं होती ना. बड़े वाले तो कहते हैं इसलिए क्योंकि बड़ा है पहले हुआ था, छोटे सबसे छोटा है लाडला, तो हम क्या हमें प्यार करते हैं क्यों किया भाई? उसको तो कह देते ना तुम बाहर जो हम बात कर रहे हैं. ये तो है, ये तो है. अच्छा जब तुम शो बिजनेस में नहीं आई थी सबूर, तुम्हें क्या बनने का शौक था कि मैं क्या बनूंगी? मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था. हुए, हुए, और उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बनूं. हाँ. लेकिन नहीं हो सका. पता चला ये ड्रामेबाजी जिंदगी का हिस्सा. हाँ. है ऑन स्क्रीन भी ऑफ स्क्रीन भी. अब यही कर ली है, यही सब कुछ है. और तुम क्या बनना चाहती थी एक्ट्रेस? तुमने तो बताया सिंगर. सिंगर बनने से पहले क्या? सिंगर बनने से भी पहले बहुत कुछ मैंने ट्राई किया था जब मैं बहुत छोटी थी. हाँ. पहले सोचा था, मेरे मामू एडवोकेट हैं, तो मैं कहती थी कि मैं बस थोड़ी सी बड़ी हो जाऊँ, मैं. हाँ. आपकी फाइल्स उठा के लेके जाया करूँगी. हाँ. और मैं भी ना वकील बनूंगी. हाँ. जैसे ही बड़ी हुई फिर मुझे ना डॉक्टर का एक वो हो गया कि मैं डॉक्टर बनूंगी. मामू से कह कह के रो रो के मुझे नहीं पता, मुझे कहीं पे लगवाएं, मुझे कहीं पे डॉक्टर, मुझे बस देखना है कि कैसे होता है क्या होता है. हाँ. तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि इतना तुम इसको बुला लिया करो क्लिनिक पे, तो इसको देखना है, इसको बहुत ज़्यादा शौक है आजकल. और तब ना दिमाग भी छोटा था तो मुझे खेल लगता था. अच्छा. कि यार ये तो बड़ा मजा है, घर पे नहीं रहना पड़ेगा कम अज कम, कि मम्मा हर वक्त के तुम पढ़ नहीं रही हो, तुम टीवी देख रही हो, तुमने 2 घंटे से टीवी देख रही हो, तो मैंने कहा इस चीज से जान छूटेगी, कहीं बाहर चली जाओ. तो उनके साथ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें सबसे पहले इंजेक्शन लगाना सिखाता हूं. अच्छा उन्होंने मुझे एक और चीज भी बोली उस टाइम पे, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि देखो जब कोई आएगा ना तो तुमने यहाँ से पकड़ के इंजेक्शन लगाना है, बताना नहीं कि तुम्हें आता नहीं है. और मैं कह रही हाँ हाँ मैं लगा लूंगी, मैं लगा लूंगी. ओए ओए. और मेरा पहला दिन. हाँ. और ना जब उन्होंने मेरे सामने इंजेक्शन वगैरह लगाया और एक दो का वो ब्लड वगैरह देखा, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं कर सकती. हाँ. इतना डर लगा देख के. हाँ. बीपी लो हो गया मेरा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती. हाँ. वापस जा रही हूँ. हाँ, फिर बस दो दिन का शौक. कितने लोग बच गए आपसे? आज भी यूं यूं पकड़ के इंजेक्शन लगा रही होती है. पारस क्या बनना चाहते थे? मैं तो एक्टर ही. एक्टर ही बचपन से, जैसे मैंने होश संभाला अम्मा अब्बा को देख देख तो मेरे माय फादर यूज्ड टू से कि यू आर अ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, क्योंकि मैं सारे आर्टिस्टिक काम मैं करता था, स्कल्पचरिंग पेंटिंग म्यूजिक डांस ये वो सब ना. तो फिर मैंने कहा बाबा मैं क्या करूँ, तो ही सेड के एटलीस्ट बी अ मास्टर ऑफ वन. तो मैंने कहा मैं ऐसा कौन सा काम करूं कि जिसमें सब काम मैं कर सकूं. हाँ. तो अदाकारी एक ऐसा काम है जिसमें मैं सब कर सकता हूं. वाओ, तो बड़ा अच्छा आईडिया. हाँ, तो वो बचपन से बस मेरे जहन में था कि यही करना है, यही करना है. हाँ. और उमर आप क्या सोचते थे? मैं आर्मी का था मेरा. हाँ. क्योंकि मैं मेरा कॉलेज आर्मी पब्लिक कॉलेज था. अच्छा. तो मैं जाना भी चाहता था. हाँ. तो मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन ली, जब सारी इन्फॉर्मेशन ली मुझे पता चला कि वो तो भाई सुबह इतने बजे उठना, फिर उसके इतने इम्तिहान होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, ये होता है वो होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत मेहनत करके पहुंचना पड़ता है. बहुत फौजी बनना आसान काम है. हाँ, बहुत. अच्छा अब अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि गुलो गुलजार लोग क्यों देखें तो आप लोग क्या कहेंगे? क्यों देखें पारस? क्योंकि उसमें मैं हूँ. ओए ओए. उमर आप क्या कहते हैं, क्यों देखें गुलो गुलजार? इस वजह से भी क्योंकि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग विद द टाइम, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी. सब ने बहुत मेहनत की है. हाँ. उसमें और आई थिंक काफ़ी मज़ा आएगा देखने का. काफ़ी मज़ा. स्टोरी भी अच्छी है, अदाकारी भी सबकी बहुत अच्छी है, तो ज़रूर देखें, मज़ा आएगा. मज़ा आएगा बिल्कुल. सबूर तुम बताओ क्यों? ऐसा ड्रामा है ये, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता अपने ड्रामे देखने का, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम ये ड्रामा खुद बैठ के देखें और हम लोग साथ बैठ के देखते हैं. हम लोग प्लान बनाते हैं, हम लोग सब बैठ के देखते हैं. हाँ. हम पहले ही देख चुके. हाँ. थे इसके 4-5 एपिसोड. हाँ. अच्छा. तो हम लोगों ने बड़ा उसको रखा कि देखना है और अभी भी आज लगना है. और इसमें ये नहीं कि कोई एक बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है और बस उसी का है कि वो उसने उठा के रखा है, नहीं. सब ने एक जैसी मेहनत की है, सबकी एक्टिंग. एक काम वाली भी आएगी ना इस प्ले में, तो उसने भी अच्छी एक्टिंग की है क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे थे हमारे. और मैं जो बात एक चीज़ मैं कहूँगा कि लोग अपने एक्चुअली
व्यूज जो है ना वो बहुत जल्दी फौरन से दे देते हैं. हाँ. कोई एपिसोड देखी वो कहते हैं कि ये ड्रामा जो है ना वो तो उससे रिलेट कर रहा है. हाँ. सेम स्टोरी है हालांकि. हाँ. वो सेम स्टोरी होती नहीं है. ठीक है, कुछ चीज़ों में होता है कि सिचुएशन ऐसी. हाँ. आती है कि लोग कहते हैं कि ये तो उस जैसा ड्रामा है जो अभी इस चैनल पे आया था या उस. हाँ. चैनल पे आया था. हाँ. तो अभी इस ड्रामे को लेके भी कोई बात हो रही थी. हाँ. लोगों. हाँ. ने कहा था, लेकिन इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट स्क्रिप्ट. बिल्कुल अलग है, आगे जाके बिल्कुल. आज से स्टोरी जो है वो चेंज होगी थोड़ी सी. अच्छा, आज से थोड़ा सा आपको लगता है ये तो फलानी के खानदान की कहानी है. आपको लग रहा होता है कि आपके खानदान में कोई ऐसा जरूर है जिसकी कहानी है. और वो रिलेटेबल बनाना और कन्विंस करना आई थिंक आपकी एक्टिंग पे बड़ा डिपेंड करता है. डायरेक्शन पे, डायरेक्टर ही तो करवाता है. और साकिब भाई ने तो, मैं तो सीन में जाती थी, मुझे होता था अच्छे ऐसे कर लूंगी, जाती थी वो बिल्कुल ही कुछ नई चीज होती थी. अच्छा, इसका टाइम है 8 बजे, मुझे 9 बजे बताया हुआ था, लेकिन अभी मैंने कंफर्म किया 8 बजे. हाँ, ये 8 बजे आएंगे जुमेरात की. जुमेरात अभी तो थर्सडे के थर्सडे है ना जी. जुमेरात थर्सडे है ना. हाँ जी, हाँ जुमेरात. भूल गई मैं. छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुलो गुलजार की कास्ट हमारे साथ, सबूर, किंजा, उमर और पारस. गुड मॉर्निंग. गुल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, खुद से ज्यादा मुझे गुल पर भरोसा है. कैसे मैं बताऊं तुमको प्यार की वो दास्तां, जिंदगी ने खेली मुझसे कैसी ये पहेलियां. मुश्किल हुआ है कसम निभाना, याद ना आए तुझको. इस लड़की को ब्याह के मत ले जाओ आप लोग अपने घर, मोहल्ले के कई लड़के इसके चक्कर में फिरते रहते हैं. क्या फायदा होगा ऐसा मेडिकल पढ़ के जब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे हाथ पे नहीं रहेगा. मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, खुद से ज्यादा मुझे गुल पर भरोसा है. कैसे मैं बताऊं तुमको प्यार की वो दास्तां, जिंदगी ने खेली मुझसे कैसी ये पहेलियां. मुश्किल हुआ है कसम निभाना, याद ना आए तुझको. प्यार में दिल क्यों खोए, क्यों झूठे प्यार के सफर तो वो.
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज रात 8 बजे आप देखेंगे गुलो गुलजार का चौथा एपिसोड और उसकी कास्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। इनसे बहुत मज़े मज़े की बातें हो रही हैं और अभी मैं तुम लोगों से एक साथ कुछ सवाल करना चाहती हूँ। ये सारे बोर्ड्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगी। ये हाँ, तुम लोग खुद अपने आप को रेट करोगे, अपने आप को नंबर दोगे। सॉरी, हाँ ये सब ये वो स्लेट्स हैं जो एक ज़माने में तख्ती। हाँ मैं आपको सब मैं सवाल करती जाती हूँ, वो डस्टर भी ले लो साथ इनका। ये ठीक है, पहला सवाल। ओके अच्छा क्या करना है? हाँ अपने आप को रेट करना है 10 के स्केल में, अपने आप को रेट करना है। ठीक है, तुम इसके तुम्हारे तुम्हें कितने नंबर देने चाहिए इस घर के कामों में? खुद को कितने नंबर देंगे आप लोग घर के कामों में? बल्ब फ्यूज हो जाए तो चलो पारस तुम लगा लो। हाँ पंखा दिखाए आपका, एक नंबर तुमने 0 दिया और तुमने क्या 10? ओ हो हाँ सबूर रोटी शोटी खाना वाना पका लेती हूँ, बना लेती हूँ, लेकिन टाइम भी मिलता है, लेकिन बाकी सारी चीजें मैं ही देखती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी घर का काम हो, ये खराब हो गया, कारपेंटर, ये वो, ये करवाना है, सारी मेंटेनेंस सब कुछ, वो सब क्या बात, ए से लेकर जेड तक ही देख रही होती हूँ। हाँ क्या बात है किंजा, तुम 0 सारी अम्मा के ऊपर छोड़ी हुई है? नहीं अम्मा पे नहीं, बस मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। मेरी कोई चीज़ खराब हो जाए घर की, हाँ तो 2 हफ्ते तो सोचने में लग जाते हैं कि यार इसको ठीक कैसे करवाऊं। और फिर उसके बाद मैं अपने असिस्टेंट से कहती हूँ कि किसी को लाओ इसको ठीक कराओ। हाँ। और फिर मैं घर पे ना आऊँ तब ये काम हो जाए, और मैं आऊँ तो भी मुझे ठीक मिले बस। ओह माय गॉड, लड़की अगर एसी खराब हो जाए तो क्या करोगी? अभी पिछले दिनों हुआ था ना, फिर तो फिर ठीक करवाया। 2 हफ्ते लगाए सोचने में? 2 हफ्ते नहीं लगाए होंगे? नहीं नहीं लगाए, 2 हफ्ते लगाए क्योंकि पानी अंदर की तरफ गिर रहा था। 2 हफ्ते के बाद मैंने कहा बहुत हो गया, हाथ करवाना पड़ेगा। अच्छा रहता है ना जैसे जब तक डेक्ची में जमा करती रही पानी। नहीं वो थोड़ा थोड़ा ऐसा था लेकिन वो इतना फैल नहीं रहा था, लेकिन ना कूलिंग भी थोड़ी सी कम कर रहा था। मुझे एक दिन फील हुआ कि आज तो बिल्कुल नहीं हो रही, आज तो लाजमी करवाना पड़ेगा, फिर मैंने करवाया। और यहाँ 7.5 यानी आप कर लेते हैं घर के काम? कर ही लेता हूँ। इस मामले में आप जो है वो सब इस केंजा जैसे हैं। एक मैंने एक वो अपने ही काम को दिया है, मतलब अपना जो काम है। आप सब्जियां लेकर आते हैं अपने लिए खाने के लिए क्या सामान? उसको एक दिया है। घर की कोई जिम्मेदारी हो, बकरा ईद पे बकरे खरीद के लाना हो, कुछ कोई काम, मतलब एक छोटी सी मिसाल है ना, वो जब खाना खाने के बाद जब मैं ट्रे बराबर में रख देता हूँ फिर मेरी आंख लग गई, उठूंगा वहीं रखी होगी। अब मैं कह रहा हूँ मेरी भांजी कब कमरे में आएगी कि मैं तो इतना हूँ। चलिए अब ये मिटाएं। नेक्स्ट सवाल, भूख बर्दाश्त करने में खुद को कितने नंबर देंगे? भूख बर्दाश्त करने में खुद को कितने नंबर देंगे? 10 नंबर? तुम भूख बर्दाश्त कर सकते हो, तुम नहीं कर सकती? हाँ, सभी मैं ही, आप सब लोग भूख बर्दाश्त कर सकते हैं। मैं ही एक भूखी लग रही हूं बहुत ज्यादा। मैं मुझे आदत है हाँ? कि अगर मुझे आप सुबह उठी हूँ नाश्ता नहीं मिला, दोपहर हाँ? में खाना नहीं मिला, रात में भी मैं जाके खा सकती हूँ, मुझे भूख नहीं लगती। सीरियसली? हाँ मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ खाने में भी और पानी में भी। हाँ वो तो दिन आते हैं, प्यास में बर्दाश्त कर सकते हैं। अरे खाने में हाँ, और आप बर्दाश्त करने पर देखा नहीं जो भी हो बर्दाश्त कर ले। अबे हाँ कोई प्रॉब्लम, सबूर तुम नहीं बर्दाश्त कर सकती खाना? नहीं मुझे गुस्सा आ जाता है। हाँ भूख बर्दाश्त अगर करनी पड़े तो हाँ, मुझे फौरन चाहिए होता है। और ये झूठ बोल रही है, इतना सेट पे खाती है, कभी कुछ उन दिनों में खाती हूँ जिन दिनों में मिल भी रहा हो ना, अगर नहीं मिल रहा, मैंने बोला अगर नहीं मिल रहा तो मैं बर्दाश्त कर ले। हाँ। भी कुछ लेकिन अगर देखें जैसे हम लोग आउटडोर शूट पे हैं तो मेरी एक्साइटमेंट, मुझे आउटडोर शूट नहीं पसंद। मैं बाहर हवा में जो बाल उड़ते हैं और धूप गर्मी मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाँ। लेकिन मेरी एक्साइटमेंट ये होती है कि जहाँ हम रुकेंगे वहाँ से कुछ खाएंगे, जहाँ तो इसने ये देखा है कि हम लोग यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के सीन करते थे, सीन समझा रहे होते तो ये लगी होती थी खाने में, किंजा को कहती समझा रहे हैं वो तो ये होता था कि ना वो कैंटीन से जो मिलती थी उसका तो मजा इतना आता है कि, और वो हर 10 मिनट बाद मैं इसको भी पूछती थी खाना है और नहीं खाना, अच्छा चलो ले आओ, फिर इसको भी जबरदस्ती सुनो मसाला ज्यादा लगवा के लाना, सुनो केचप ज्यादा डलवाना, प्रॉपर फरमाइश ही प्रोग्राम चल पाना। और एक दफा तो एक सीन आया था 3rd एपिसोड में कि हमें लेज के पैकेट ला के दिए तो हमने खोले और खाना शुरू कर दिया और मैंने ज्यादा खा लिए, उसके बाद उन्होंने कहा आपने खत्म कर दिए, मैंने कहा हाँ,
तो कहते नहीं ये तो सीन के लिए थे, तो मैंने कहा हमें लगा था ना हमारे लिए लेकर अच्छा आए। मैं सोची यार रेड बुल भी लेकर आए, देव भी लेकर आए, तो ये आज तो आज ही सारी ब्रांडिंग करके जाओगी, कभी और के लिए बचा लो। सारी ब्रांडिंग आज ही करनी है, हमारे इश्तेहार बंद हो जाएंगे, वो कहेंगे चलो भाई इंदा से ही बुलवा। ओके नेक्स्ट सवाल। ओके बेहोश सोने में खुद को कितने नंबर देंगे? बेहोश सोते हैं घोड़े गधे बेच के, अपने आप को कितने नंबर देंगे? होता है ना कि जैसे मेरी नींद बहुत कच्ची है, कुंडी खड़कने से भी खुल जाती, 10 नंबर, 0 नंबर, 0, 6, 10 वाली से शुरू करते हैं। किंजा बेहोश होती हो? मैं इतना बेहोश, अगर मुझे इसकी आवाज़ का पता है तो मेरे कान में इसकी आवाज़ आएगी, मैं उठ जाऊँगी। बाकी कुछ भी हो जाए, बेल्स हो, फोन बजे, मैं नहीं उठती। मेरे अलार्म की आवाज़ मेरे कान में जाएगी, मैं उठ जाऊँगी, और किसी चीज़ कोई चीज़ मुझे नहीं उठा सकती। अच्छा इतना बेहोश मैं तो जब सो रही होती हूँ मेरा तब भी दिमाग चल रहा होता है, और ना सब तब ज्यादा अच्छा चलता है। सुबह उठती हूँ तो कहती हूँ ये बात दिमाग में आई थी, अब ऐसे करना है। वो तो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट भी है ना। नहीं और मुझे जरा सा रात में ही सजल आके मेरे पास बैठी है, मुझे पता नहीं चला मैं शूट से आई हूँ, थकी हुई थी, ऐसे ही सो गई ना, और मैं आके बैठी है, वो मैं झटके से उठी और मैं देख रही हूं। एक दफा मेरे साथ भी हुआ था, मैं इसकी तरफ रहने के लिए गई और मैं फोन यूज कर रही हूँ 3 बजे रात के, और ये एकदम से झटका लेके उठी और उठ के इसने देखा, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, सो जा सो जा, कुछ नहीं हुआ, इसने देखा हाँ ठीक है, फिर सो गई। और मेरे सुबह उठ के पूछ रही यार रात को क्या हुआ था, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें झटका लगा तुम उठी और तुम्हें मैंने सुला दिया दोबारा से। और भाई यहाँ पे क्या आपने जीरो, मैंने जीरो किया था। आपकी भी कच्ची नींद है बिल्कुल। हाँ बच्चे रोए या कोई भी कुछ नहीं, आंख नहीं खुलती, मतलब नहीं मेरी नींद कच्ची है। हाँ, खुल जाती, सॉरी हाँ, नींद कच्ची। हाँ। और मेरे बच्चों को आदत है कि मैं सोया हुआ हूँ ना जब, तो उनकी आदत है ये कि आके कहीं वाह वाह, तो मैं तो फौरन ही मेरे बच्चे को भी अपने बाप पे सबसे ज्यादा प्यार तब आता है जब वो सो रहा होता है, जब उसको पप्पे करके उठा ही देता है आखिरकार, यही है। और आपकी नींद 6 नंबर? हाँ मेरी वैसे बातें बातें करने से आंख नहीं खुलती। अच्छा। लेकिन दरवाजा जैसे बंद किया या एसी बंद हो गया तो और कोई कॉल आ गई तो फिर उस पे मेरी आंख खुल जाती, वरना फिर मैं ऐसे नहीं सो रहा हूँ। अच्छा जी नेक्स्ट सवाल, बाहर घूमने में खुद को कितने नंबर देंगे? मतलब ट्रैवल करने में और शौक है बाहर जाने का, उसमें खुद को कितने नंबर देंगे कि पैसा हो तो बस इसी पे खर्च कर दें? 10 नंबर। मैं मेरे पास तो पैसा नहीं, उधार लेके भी ट्रैवल करूँ। 110 नंबर, 2 नंबर, 0 नंबर, कंजूसो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, वरना तो ये टाइम की बात थोड़ी हो रही थी, तो ऐसी बात होती शौक लो वही फिर नहीं मुझे मुझे मैं थक जाती हूं। हाँ? मैं कहीं बाहर जाती हूँ मुझे अपना बेड सबसे पहले याद आता है। हाय। मैं बस इस चीज में होती हूँ कि मैं अपने घर पहुंच जाऊँ किसी तरह, मैं नहीं घूम सकती बाहर। मुझे नींद भी नहीं आती बाहर, जब कहीं जाती हूँ स्टे करना होता है सारी रात जागती रहती हूँ, 2-2, 3-3 घंटे जगाती भी हूँ। हाँ मैं तो मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ मुझे सबसे ज्यादा अपना तकिया याद आता है, दिल चाहता है अटैची में, अगर सामान की लिमिटेशन ना होती मैं अपना तकिया साथ लेके जाती हूँ, तकिए के बगैर नहीं सो सकती उस, और अपनी साइड जो होती है ना सोने की। हाँ वही वो तो मैं जब किसी होटल में जाती हूँ मैं कैलकुलेट करती हूँ यासिर की ये साइड थी मेरी, ये थी, तो मैं इधर सोऊंगी। वो मैं अपने घर वाली सोच लेती हूँ साइड। तो मैं तुम्हारा है 100 नंबर, तुम्हारा बस चले घूमने का टाइम मिले तो पैसे अगर लगाने तो आपको ट्रेवलिंग पर ही लगाने चाहिए। और ये तो नहीं भाई तुमने क्या 0 नंबर दिया है? 2 दो दिखा के ना छुपा रहे मैंने वो बंद कर दिया। अच्छा और आपका क्या नंबर है? मैं तो पूरे 10 पूरे। यूजुअली लोगों को मसला ये होता है कि वो ट्रैवलिंग में नींद नहीं आती, ये नहीं होती। हाँ। मैं कहीं भी सो जाता हूँ, कहीं भी सो जाता हूँ, कहीं भी। ये तो बड़ा ये तो फन है, प्लेन में किसी हर तकिए के साथ सेटिंग हो जाती है। मैं तो 110 नंबर दिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि ट्रैवलिंग ही एक ऐसा काम है जो कि बहुत ज़रूरी करना चाहिए हर इंसान को, और आई एम ऑलवेज रेडी फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग ब्रिंग्स लव टू योर लाइफ, सीरियल ऑफर हो अच्छे डेस्टिनेशन पे, मैं तो खुशी से अगर आउट ऑफ स्टेशन हो तो आई लव टू डू इट। अच्छा बीवी से दूर, सही शिकायत है घर वालों को। आजाद परिंदे हैं, खुश रहते हैं। अलमारी साफ रखने में खुद को कितने नंबर देंगे? अलमारी साफ रखने में
दस नंबर, वाह दस नंबर, पांच नंबर जीरो। आजय जी आपकी, आपसे शुरू करते हैं, क्या इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं अलमारी से मेरा क्या लेना देना, मैं तो जाता हूँ चेंज किए, जहाँ फेंके मुझे पता नहीं है। उसके बाद सेट होते हैं कि वैसे ही रहते हैं। बेगम हमारी सेट करके रख दे। ये हमारी बेगम, मैं इनकी बेगम को सुने कॉल मिलाए, जरा पारस की बेगम का नंबर तो अप्रोच करें, पता तो करें कि ऐसा ना हो उल्टा हो रहा हो घर में है, यहाँ लग रहा है कि बेगम जो है बड़ी डोमिनेशन है बेगम के ऊपर, पता चले जोरू को बोला। बेगम की डोमिनेशन है, मेरी कोई डोमिनेशन? अच्छा ये जो आप बता रहे हैं अलमारी साफ और अकेले ट्रैवल करना, ये तो लग रहा है उल्टा कुछ। शक वाली बात, शक वाली बात, देखो जरा। वो मैंने अपने बारे में तो नहीं कही थी, ये तो मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, सबकी बेगम में शक करती हूँ, मेरी कोई अनोखी थोड़ी। आपने क्या नंबर दी? पांच नंबर। पांच नंबर, वो भी जो मैं कपड़े वगैरह बहुत पर्टिकुलर हूँ कपड़ों को लेकर, तो कौन सी शर्ट और कौन सी वो कहाँ रखी है, बाकी अदरवाइज आई एम वेरी यू नो वो बैचलर का जो एक रूम होता है ना मैसी, वो मैं वैसा हूं। और तुम लोग, भाई मैं तो हैरान हूँ कि लड़कियाँ नहीं, मैं तो ये स्टेला मेरे पास होती है जो मेरी सारी चीजों का ख्याल रखती है, तो ये 10 नंबर स्टेला तेरे हुए इसके लिए। और मुझे शौक है बचपन से कि मेरी हर चीज जगह पे होनी चाहिए, हाँ। ताकि मुझे ढूंढनी नहीं पड़े। अच्छा। क्योंकि अगर मेरी कोई चीज गुम गई है तो फिर सारी चीजें निकलेंगी हर जगह से, तो मैं सारी चीजें सेट करके रखती हूँ, हर चीज अपनी अपनी जगह पे। अच्छा, अलमारी तुम्हारी साफ रहती है? अलमारी साफ है, ये ताकि तुम्हें जो चाहिए उस वक्त फटाफट मिल जाए। हाँ वो पता है, वो मुझे पता है कि कहाँ पे, और मेरे दिमाग में होता है कि ये चीज मैंने यहाँ देखी थी वहीं पे रखी हुई है, मिल जाती है वहीं से मिलती है। अच्छा जी नेक्स्ट सवाल, पैसा उड़ाने में खुद को कितने नंबर दोगे? पैसा हाथ में आया नहीं और सोच लिया कि ये आएगा ना चेक, तो ये लेना 100, ये तो 10 से भी आगे पहुंच गए, 100 ये सब फजूल खर्च लोग आ गए, ये 102 मेरा तो बहुत ही बुरा हाल है। क्यों? मैं एक जैसी, ये इसको पता, एक जैसी 10-10 चीजें ले आती हूँ और ला ला के स्टॉक जमा किया करती जाती हूँ और फिर उसके बाद वो रखी रहती है और जब जरूरत पड़ती है फिर नई चीज चाहिए। अल्लाह, तो मैं ना बल्कि आजकल मैं उस पे हूँ और मुझे ना सब बहुत डांटते हैं, सबसे ज्यादा इरसा आपा मुझे डांटती हैं, हाँ। कि तुम ना फजूल खर्चियाँ करती हो, चीजें लेके आती हो इतनी ज्यादा और हाँ। बस मैं और तुम ना जब भी जाती हूँ शॉपिंग के लिए तो ख्याल आता है कि यार हफ्ते में एक दिन तो अपने शॉपिंग के लिए काम किया होगा ना, हाँ। बस ये ख्याल बहुत बुरा है। तो साथ की भी है शॉपिंग, मुझे अंदाजा है, इसको अंदाजा है, ये फिर देख देख के चेक करके, नहीं मैंने अपने आप को अभी किया है, वरना तो बस मेरे हाल भाई साथ भी यही होता था, यही है मेरा खर्च खर्च खर्च, मुझे लगता है बस ये पैसे मेरे लिए हैं, अभी जितने ज्यादा जाएंगे उतने ज्यादा आएंगे, और ऐसा होता भी है जितना खर्च करते हो उतने ज्यादा आते हैं, तो सोच और किसी के लिए गिफ्ट लेना पड़े तो बहुत बड़ा देते हैं, मुझे तो होता है कि अच्छा जो अपने लिए खरीदो वो दूसरे के लिए, मेरे लिए ये कि अगर मैं या तो देती नहीं हूँ, देती हूँ तो अच्छा देती हूँ कि याद आए, जब जब पहने याद आए कि किंजा ने दिया था। ये जो 102 नंबर है तो क्या कर्जों पे चलते हैं क्या घर? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा हुआ नहीं है, नौकरी वोकरी तो हम करते नहीं है, फ्रीलांसर हम अदाकार हाँ। लोग हैं, तो बस जो पैसे आते हैं वो खर्च हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, सेविंग मुझसे मैं अपने घर का करंट अकाउंट हूँ, सेविंग वेविंग मुझसे नहीं होती, तो बेगम को पकड़ाते हैं पैसे कि तुम सेव कर लो अक्सर ऐसा, बेगम को तो मैं क्योंकि सारा खर्चा और बिल्स और यूटिलिटी ग्रोसरी हाँ। सब मैं ही कर रहा होता हूँ हाँ। तो जरूरत ही नहीं पड़ती बेगम को कहने की कि अच्छा। तो पहले ही सारी चीजें पॉकेट मनी बन दी सब सब हाँ सब। सारी चीजें शॉपिंग वॉपिंग ये वो चलता रहता है हाँ। और आप? मेरी पहले आपने 100 नंबर दिए थे ना, बिल्कुल पहले से प्लानिंग होती है ये आएंगे ना पैसे तो फिर यहाँ पर खर्च करने हाँ। गाड़ी पे लगाने हैं, ज्यादा गाड़ियों का शौक है मुझे, ज्यादातर पैसा जो मैं खर्च हो जाता हाँ। है वो होता है ट्रैवलिंग में,
वहाँ पे भी तो शॉपिंग होती है ना, क्या चीज सबसे ज्यादा खरीदते हैं? एग्जैक्टली शॉपिंग और खाना, शॉपिंग और खाना, क्योंकि मैं यहाँ पे रहकर इतना नहीं खाता, जब मैं ट्रैवलिंग पे होता हूँ बाहर सारे ऐश पोश से मेरा अपनी जिंदगी जी ले, तो वहाँ पे फिर खानों पे मेरा हाथ नहीं रुकता, तो खर्च होता है। अच्छा अच्छा, इससे पहले कि मैं ब्रेक पे जाऊँ, मैं आप लोगों को पहले ही सवाल थ्रो करके जा रही हूँ, गुलो गुलजार में अपनी एक्टिंग को कितने नंबर देंगे ये मुझे लिख के बताएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज रात 8 बजे चौथी के गुलो गुलजार, एक दूसरे को नंबर देना। नहीं नहीं, आपने अब आपको देना, एक दूसरे को देंगे, एक दूसरे को देते हैं आप लोग, वही दे देंगे 100 में से 100 नहीं अपने आपको। अब खुद की तारीफ करते हुए अच्छा लगता है क्या? हाँ जी दे दो पूरे नंबर अगर तुम्हें लगता है तो। एक छोटी से ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सारी बुराइयां आपकी बेटी में, इसीलिए आपने सोचे समझे बगैर किसी के साथ भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। इस लड़की को ब्याह के मत ले जाओ आप लोग अपने घर, मोहल्ले के कई लड़के इसके चक्कर में फिरते रहते हैं। क्या फायदा होगा ऐसा मेडिकल पढ़ के जब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे हाथ पे नहीं रहेगा। मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, खुद से ज्यादा मुझे गुल पर भरोसा है। कैसे मैं बताऊं तुमको प्यार की वो दास्तां, जिंदगी ने खेली मुझसे कैसे ये पहेलियां, मुश्किल लड़की को ब्याह के मत ले जाओ आप लोग अपने घर, मोहल्ले के कई लड़के इसके चक्कर में फिरते रहते हैं। क्या फायदा होगा ऐसा मेडिकल पढ़ के जब तुम्हारा शौहर ही तुम्हारे हाथ पे नहीं रहेगा। क्यों झूठे प्यार के सफर दूर।
मॉर्निंग पाकिस्तान, आज आपकी मुलाकात हो रही है गुल गुलजार की कास्ट से। 8 बजे रात को चौथा एपिसोड आप देख पाएंगे सिर्फ ARY डिजिटल पर। और मैंने जाने से पहले सवाल सबसे ये किया था कि अपनी एक्टिंग को इस ड्रामे में क्या रेट करेंगे। चलें जी दिखाना शुरू कर दें। ये क्या बारी बारी सब बताएंगे, बारी बारी, चलो सब तुमसे शुरू करें, मुझसे शुरू। हाँ देखिए जी, मेरा कुछ अजीब सा जवाब है। 10 मैं अपनी एक्टिंग को 10 रेट करूंगी, और मैंने क्योंकि अपनी एक्टिंग को 10 रेट किया तो मैं अपने कॉन्फिडेंस को 100 रेट करूंगी, और फिर ये 200 में रेट कर रही हूँ जिसने ये सवाल लिखा है उसको। तो ये है मेरा जवाब। किंजा तुम्हारा क्या जवाब है? अरे जीरो जीरो, इसलिए कि अगर मैं सोचूं कि मैंने गुलजार बन के बहुत अच्छी एक्टिंग की है तो फिर तो मैं एक्टर बन गई, मुझे सब कुछ आ गया, आगे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी बंदा ये सोचता तो है ना कि कभी कभार सोचता है मैंने इस ड्रामे में यार अच्छा काम किया। मुझे ऐसे लगता है कि जितना मैंने इस ड्रामे में किया है अच्छा किया है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा कर सकती हूँ। अच्छा, और मैं हमेशा यही सोचती हूँ तो बेटर करती हूँ। अच्छा, और मुझे लगता है कि जितने भी अगर ऐसा कैरेक्टर मुझे दोबारा भी मिल जाए तो मैं उसको किसी और तरीके से किसी और वेरिएशन में परफॉर्म करना चाहूंगी। अच्छा, तो अगर मैंने सोच लिया कि मैंने यही अच्छा किया और यही है सब कुछ तो फिर मैं सीख गड़बड़ हो जाएगी फिर सीख जी। पारस मिटा के ना अपना नंबर चेंज। नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कार्टून्स बना रहा था। अच्छा दिखा पारस, तो मैं तो यही आ गई है। ये दो जीरो है, ये परफॉर्मेंस का वो है निशान, हैप्पी एंड सैड, लेकिन मैं जीरो ही दूंगा खुद को। क्या दूंगा? क्यों यार तुम लोग ज्यादा ही वो हो रहे हो भाई। नहीं नहीं सीरियस, ऐसा भी नहीं था। देखिए ऑडियंस नंबर देखिए, डाउन टू अर्थ। ये हम नहीं नहीं, ये बिच गए हम। हां देते ऑडियंस को वो नंबर दें हमें। अब देखें ये दो जीरो हैं यार, फिल्मी हीरोइन तो अपने कार्ड पे लिखवा लेती है नंबर वन एक्ट्रेस। देखें ऐसे देखें, ये देखा आपने कभी किसी फिल्मी हीरोइन का कार्ड? उन्होंने आपको विजिटिंग कार्ड दिया है तो उसके ऊपर लिखा होता है पाकिस्तान की नंबर वन एक्ट्रेस। मैंने लिटरली जब मुझे दिया तो मैंने कहा है अच्छा ओके वेरी गुड, उर्दू इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। मैं क्या नंबर दूं खुद को? आई डोंट थिंक सो। मतलब दे दो, क्या नंबर दूंगा मैं? इतने ऑडियंस देगी नंबर, ऑडियंस को देना नंबर। हाँ, ये सेक्शन जो है ना, ये क्वेश्चन ही ऑडियंस के लिए रखिएगा नेक्स्ट टाइम। हां वो हमें रेट करें। तुमने कहा भाई तुमने क्या किया? अच्छा मैं बेसिकली इट्स नन, ठीक है, कोई नंबर नहीं दिया, कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन मैं नंबर की जगह इसका मतलब इस ड्रामे में सिर्फ एक शख्स ने एक्टिंग अच्छी की और वो सबूर है, बाकी नहीं नहीं मैं आप सबूर की वजह से ड्रामा। मैं नंबर की जगह मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ साकिब भाई को, क्योंकि आई थिंक जो कुछ साकिब भाई पूरी बोतल चढ़ा चुके होंगे पानी की, उनको इतनी हिचकिया आ रही होगी। हां वो देख रहे होंगे इतनी हिचकिया आ रही होगी। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर मैं वाकई नंबर दूं तो वो नंबर भी जो है वो साकिब भाई की वजह से होंगे, क्योंकि उन्होंने वाकई परफॉर्मेंस निकलवाई है मुझसे तो बहुत ज्यादा ही। बिल्कुल बिल्कुल सबसे सबसे। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछती कि डायरेक्टर को नंबर दें तो फिर हम अच्छा नेक्स्ट सवाल पूरे नंबर दें, गुस्सा कंट्रोल करने में आप लोग अपने आप को कितने नंबर देंगे? आपने सवाल किया मतलब लाइक बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता, आई हैव नो कंट्रोल ऑन माय, करते क्या पैमाना क्या, इट्स नॉट अ गुड थिंग इट्स अ बैड थिंग, मैं इस चीज को वो नहीं समझता। नहीं लेकिन करते क्या है गुस्से में? मैं सर बार फाड़ देते हैं किसी का, मतलब मैं उस वक्त कुछ भी कर सकता हूँ किसी, लेकिन मैं ज्यादातर प्रेफर ये करता हूँ क्योंकि अब बहुत ज्यादा इस चीज को कंट्रोल हो गया है कि मैं खामोश हो जाता हूँ, खामोश हो गया, आई जस्ट डिसअपीयर। तो वो डिसअपीयर को गुस्सा चढ़ जाता है। शूट पे तो शूट छोड़ के भाग गए? नहीं नहीं शूट पे मैं तो खैर शूट पे तो एक काम की जगह पे मैं बहुत ज्यादा इस चीज को समझता हूँ, लेकिन वैसे पर्सनली घर में हो या किसी के साथ दोस्तों के साथ। अच्छा आपको आपकी शक्ल से इनकी लगता है गुस्से वाले हैं, वैसे पता नहीं क्यों पहला इंप्रेशन आता है लगता है बहुत गुस्से वाले हैं। अच्छा जब मैंने आपसे जब कभी इधर उधर सलाम दुआ हुई तो मैं कहती थी अल्लाह कितना मगरूर सा आदमी है, सलाम के बगैर ही निकल जाता है। वो बहुत सारे लोग इस वजह से बैक स्टेज भी आते नहीं है, मगरूर लगता था ना शुरू शुरू में मगरूर, अभी बात करने में पता चलता है बंदा, इसलिए किसी को जज ही नहीं करना चाहिए। वो ऐसा बहुत होता है मतलब वो फिर मैसेजेस आ रहे होते हैं इंस्टा पे फेसबुक पे, वो आपको देखा वो आप बड़े गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हिम्मत नहीं हुई पिक्चर की, मैंने बोला आ जाते भाई क्या हो गया, मोबाइल तोड़ देता क्या बारिश दिखाया। 5
कंट्रोल कर लेते हैं उससे. हाँ, कर भी लेते हैं, नहीं भी कर पाते. अच्छा, पारस मूंछों में गुस्से वाले लगते हो, बगैर मूंछों के बिल्कुल गुस्से वाले नहीं लगते. ये देखो कितनी चीजें आपकी, मतलब आपकी चेंजेस जो है अभी गेटअप से कितना फर्क पड़ जाता है. बहुत फर्क पड़ता है. तुम दिखाओ क्या है, तुम भी. मैं पहले बहुत गुस्से वाली होती थी, जो भी चीज सामने आती मैं तोड़ देती थी, और फोन ये वो सब कुछ तोड़ देती थी. लेकिन मैंने फिर रियलाइज किया कि ये बड़ा किसी का नुकसान नहीं होता, गुस्सा करके खुद का नुकसान होता है. तो अब मैंने बड़ा कंट्रोल किया है, और मेरे ख्याल से कामयाब होने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें. बिल्कुल, और तुम कर सकती हो गुस्से को कंट्रोल. 10 नंबर. ठंडी लड़की बिल्कुल. कूल माइंड आता है, लेकिन साल में एक बार आता है, और वो जिस पे आए उस बेचारी खैर नहीं, बदकिस्मती होती है. लेकिन ये कि मुझे इस तरह से कंट्रोल करना आता है, क्योंकि मेरी अम्मी ने, मेरी अम्मी एक ऐसी चीज़ है जिन्होंने मुझे बहुत कंट्रोल करना सिखाया. वो अगर 3-4 घंटे मुझे बातें सुना रही हैं तो मैं चुप करके बैठी होती हूँ, सुन रही होती हूँ, और दिल में जवाब दे रही होती हूँ. कुछ भी बोलती हैं दिल में जवाब. अच्छा, खुद कर लेती, दिल में ही बोल रही हो, बस मुँह पर नहीं आ रहा कि खुद बोल रहा. और वो बस 3-4 घंटे वो सुना के चुप हो जाती हैं, फिर वो बात ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो सुकून होता है. अगर मैंने बीच में कुछ हाँ हूँ, अच्छा तो आप कर लेती, अगर कुछ ऐसा बोल दिया, बस फिर तो मुझे कुछ भी पड़ सकती है, वो भी हो सकता है. मेरी अम्मी इस चीज में वो नहीं कर सकती. अच्छा, मैं जवाब दूँ. गुस्सा कंट्रोल करने की प्रैक्टिस तुम्हारी अम्मी के इन लेक्चर्स ने करवाई है. जी हाँ, उनको क्रेडिट जाता है इस चीज का. अच्छा, नेक्स्ट सवाल. चीज रख के भूल जाने में, यानी भुलक्कर होने में, आप अपने आप को कितने नंबर देंगे? रख के, मोबाइल रख के भूल गए, चाबी रख के भूल गए, कपड़े रख के भूल गए, कंटिन्यूटी रख के भूल गए, क्या क्या खोया ये? 10 नंबर. हाँ, मैं रख के बहुत भुलक्कड़ है. बहुत ज़्यादा. 7.5. मैं तो ऐसा हो गया था, मैं रात को मूवी देख के निकला था, और रात का शो था. हाँ, 2 बजे बाहर आए, और गाड़ी की चाबी, मैं वो अंदर ही, और मैं सोच रहा हूँ गाड़ी की चाबी किधर है, और ढूंढता रहा नहीं मिली. फिर वो घर से दूसरी चाबी मंगवा ली, और 4:30-4:30 बजे मैं घर आया, और मिली नहीं वो चाबी. फिर वो चाबी नहीं मिली. अरे, ये खुआरी होती है. वो पता नहीं वहाँ रख के भूल गया था, मैं कहाँ रख के भूल गया था, वो याद ही नहीं. आप 7.5, ये 7.5 नंबर का दिल देख के तो नहीं भूलते? मतलब कभी कभार याद भी तो आ जाता है ना, अचानक से कहाँ रखा था. क्योंकि जहाँ भी मैं कोई चीज घुमाता हूँ, तो वो जगह मुझे याद रहती है कि मैं फलां जगह पे लास्ट टाइम तक मेरे पास थी. हाँ, उसके बाद नहीं है तो मैं डायरेक्ट फिर उसी जगह जाके करता हूं. तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए सर. हाँ. क्या सबूर ने क्या बोला? दिल देके तो नहीं भूले. वो कर ली बात. मैं 0 रेट करूंगी, क्योंकि मैं बाकी में बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, और मेरी एक से मेरी कोई भी चीज़ घूम जाए ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे लगता है मेरी सारी चीज़ें, मेरी कलेक्शन है. और हर चीज़ बड़े दिल से लेती हूँ मैं. लेकिन एक्टिंग में आप खुद को कैसे भूल जाती हैं? एक दूसरे की तारीफ की है. आप नोट करें, जब से मेरा शो शुरू हुआ, मैंने सोचा शायद पहले सेगमेंट एक दूसरे की सब तारीफ करेंगे, लेकिन ये तुम देखे सेकंड लास्ट सेगमेंट में तारीफें खत्म नहीं हो रही माशाल्लाह. किंजा दिखाओ. 3 नंबर. 3 नंबर भी इसलिए कि अगर मैंने सोचा है कि मैं ये चीज़ रख लूँ, मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं वही चीज़ भूल जाती हूँ. अच्छा, तो अब मुझे जब ख्याल आता है कि यार वो चीज़ रह गई है, मैं भूल ना जाऊँ, तो मैं उसी वक्त जाके उठा के रख लेती हूँ कि मैं भूल जाऊँगी, ये पक्का है. तो बस 3 नंबर. वैसे मैं चीज़ें नहीं भूलती, मैं हर चीज़ जगह पे होती हूँ. चलो बस ये अब गेम ख़त्म करते हैं. बहुत नंबर दे दिए अपने आप को. अब वैसे मैं जनरली बात करती हूँ. मैं सोचा था कोई एक्टिविटी कराऊंगी, लेकिन हम लोग इतनी बातें अच्छी कर रहे हो, तो मुझे कुछ और अला बला कराने की ज़रूरत ही नहीं है. हाँ, अच्छा सबूर, अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें अपनी सबसे हसीन चीज़ क्या लगती है? अपने बाल, आंखें, क्या लगती है? नहीं, मुझे अपनी आँखें ही अच्छी लगती है. मतलब क्योंकि मुझे लगता है गुरूर होता है कि ऐसी आँखें अल्लाह मियां तुमने. नहीं, मुझे लगता है आँखों से मेरी कुछ छुप नहीं सकता जो मैं सोच रही हूँ, जो दिल में कभी अच्छी लगती है. खतरनाक था तो कभी कुछ चीजें वैसे छुपने वाली होती है, वो भी नजर आ जाती है, और जो नहीं जो दिखाना होता है वो भी दिख जाता है. दिख जाता है. तो तुम्हें एक्सप्रेसिव है. किंजा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बेस्ट फीचर, तुम्हारा बेस्ट एसेट?
तो नहीं लगता कि कुछ ऐसा बेस्ट है। ले, ऐसा तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। नाक, जॉलाइन, जॉलाइन, हाँ ये मुझे लगता है। अच्छा, वैसे मैं अपनी ही फेस पे ना कुछ खामियां निकालती रहती हूँ। अच्छा कि यहाँ से मैं खुश नहीं हूँ। कितनी मतलब बस निकालती हूँ, मुझे कितनी निकालती होगी। नहीं अपनी ज्यादा नजर आती है। अच्छा? दूसरों की तो सब चीजें आपको परफेक्ट लगती हैं, अपने हाँ। जब देखते हो तो आप कहते हो यार ये भी सही नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जॉ लाइन मुझे लगता है कि ये सही है। पारस, पारस किस चीज पे फखर करते हैं? वैसे तो पूरे के पूरे बाकी, लेकिन जो मुझे बहुत पसंद है वो मुझे अपनी दाढ़ी पसंद है। वो जब काटनी पड़ती है, वो अब इस रोल के लिए खास तौर पे साकिब भाई ने कहा कि भाई आपको क्लीन शेव होना है क्योंकि किरदार ऐसा है, तो हम एक्टर्स को ये कुर्बानी देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो लेकिन आई लाइक माय सेल्फ मोर इन बियर्ड। और भी उमर आप? वैसे तो आई लव माय सेल्फ। ये करीना कपूर है हमारी, ये अपने फेवरेट है ना? और मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप से प्यार करना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब आप अपने आप का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं तभी आप दूसरे इंसान का रख सकते हैं। तो मुझे अपनी जो सबसे ज़्यादा फीचर में बात, तो इट्स आई थिंक इट्स माय हाइट। ठीक है, ठीक है। अच्छा अपनी एक सबसे बुरी आदत है यार, सब सब तो मैं ही खुद बुरी लगती यार, ये मेरी आदत बड़ी बुरी है। तो सोच रही हूँ कुछ बुरा मुझे अपने अंदर लगता नहीं। मुझे बुरी आदत बस एक ही लगती है, वो ये कि एक टाइम पे मैं बहुत ज्यादा घुल मिल जाती हूँ, दूसरे लम्हे में बहुत कटके बैठ जाती हूँ। अच्छा, ये खुद तुम मतलब खुद बखुद होता है तुम्हारे साथ? हाँ, वो मी टाइम आ जाता है कि अब मेरा मी टाइम है, और उसमें जब कोई डिस्टर्ब करे तो मैं चिढ़ भी जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि बुरी आदत है जिसको मुझे ठीक करना चाहिए। अच्छा आपकी भाई क्या बुरी आदत है आपको? मेरी बुरी आदत एक ही है जो मेरी अच्छी आदत भी है, कि मैं मुंह पे सच बोलता हूँ। ओह, ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, और आपकी? मुझे ऐसा लगता है मैं बातों में आ जाता हूँ, ये बहुत इजी। अच्छा, किसी की भी भरोसा कर लो। कच्चे कानों के कच्चे कानों का बोले कच्चे गानों का लड़कियों की बातों में आ जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी हो लड़कियों की भी बातों में आ जाता हूँ। तो बातों में बहुत जल्दी मतलब मैं ना माइल हो जाता हूँ। अच्छा अच्छा ऐसा है, अच्छा ये है वो, मैं बहुत अच्छा अच्छा करके बात मतलब एग्री कर लेता हूँ। अच्छा, और सबूत तुम्हें याद आ गई कोई बुरी आदत? मुझे लगता है मैं सोचती बहुत हूँ, ओवरथिंक करती हूँ। हाँ, वही तो, तभी तो सोते हुए भी सोच रही हूँ, बस सोचती रहती हूँ, तो वो गलत आदत है वो तुम्हें। अच्छा, अब अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि ऑप्शन दिया जाता कि गुलो गुलजार में ये कैरेक्टर आप जो चाहें वो करना चाहें, तो सबूर को अपने अलावा कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता? गुल, मुझे गुल ही करना। गुलजार तुम्हें? गुलजार हाँ, जो बना। और आपको पारस? गुल। आपको गुल? और आपको? आई थिंक माई ओन कैरेक्टर, क्योंकि इसमें जो वेरिएशन है वो थोड़ी सी गुल वाली भी है। गुल भी हो जाता हूँ मैं। मैं गुल भी हो जाता हूँ, कभी गुल हो जाता, कभी गुलजार। जब मनाता हूँ तो गुलजार हो जाता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान गुलो गुलजार के साथ। गुल मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, खुद से ज्यादा मुझे गुल पर भरोसा है। कैसे मैं बताऊं तुमको प्यार की वो दास्तां, जिंदगी ने खेली मुझसे कैसी ये पहेलियां, मुश्किल हुआ है कसमें निभाना, याद ना आए तुझको। छुपाने की क्या जरूरत है अपनी जेबा भाभी को? आपके कहने पे मैंने उससे इतना बड़ा झूठ बोला,
किसने कहा था कि एतबार करो? आज से एतबार, भरोसा, यकीन सब खत्म। एक वक्त में दो लड़कियाँ अच्छी लग सकती हैं। एक वक्त में तो 100 लड़कियाँ भी अच्छी लग सकती हैं। तुम गुलजार वाली बातें कर रही हो। मैं तुझे पढ़ने भेजता हूँ कि इश्कबाजियों के लिए बैठता हूँ? किसी लड़की की बात पर यकीन करके अपनी बेटी पे हाथ उठा रहे हो? तुम कहीं किसी लड़के से तो मिलने नहीं गई थी? तुम मुझे समझती क्या हो? अपने आप को बहुत शरीफ और मुझे कैरेक्टर लेस। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त गुलो गुलजार की कास्ट यहाँ मौजूद है। हम बहुत सारी बातें करें, बड़े दिनों बाद इन सबसे मुलाकात हुई और ये दो तो पहली दफ़ा आए हैं, तो इसलिए मैं इनसे बहुत सारे सवालात जो है ना वो कर चुकी हूँ। अगर कोई आपके जहन में हो तो मुझे SMS करके बता दें। वैसे अगर मैं आप लोगों से ये पूछूँ कि लड़कों से पूछती हूँ, ये मेकअप में कितना टाइम लेती है, ये मेकअप पे कितना टाइम लेती है? बराबर ही मेरे ख्याल से लेते हैं। वो डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट पे और सीन पे कि कितना मेकअप चाहिए उस वक्त। तो किंजा आई थिंक कम टाइम लेती है, सबूर ज्यादा टाइम लेती है। हाँ? क्या ये सच है? मुझे कह रही थी कि मर्द हजरात ये देख रहे होते, नोटिस कर रहे होते, इतनी औरतों वाली हरकत है ये। तो इंतजार करना किसको पड़ेगा? हमारी देखिए, नोटिस कर रहे होते हैं हमें यार, कैसा होता है, हम अपनी टर्न का वेट कर रहे होते हैं। और क्या मलका से टाइम पीछे बैठे हो। बताओ कि ये दोनों अपने बाल बनाने में कितना टाइम लेते हैं भाई? ये लोग दोनों में से ज्यादा कौन तो सेट पे आने में ही टाइम लगाते हैं ना, पहले सेट पे तो पहुंचे। गिंदा बोलो। मेरे ख्याल से यही बात है कि मुझे टाइम तो नहीं लगा कभी इनको मेकअप पे, बस आने में ही होता है कि अभी इंतजार कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं रास्ते में। पारस भाई नहीं ऐसे, पारस भाई टाइम पे आते हैं, पहले ही आ जाते हैं। मैं भी तो सुनो, झूठ में बोलती नहीं हूँ, सच में बोलना नहीं चाहती। हमने सीन के टारगेट पूरे किए हैं यार। कौन सी चीजें इसके बगैर तुम घर से नहीं निकल सकती किंजा? मोबाइल फोन और कोई ऐसी मेकअप की चीज है जो तुम्हें तुम्हारे लिए होना जरूरी? टिंट वही मैं यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, यहाँ पे भी आंखों में। मैं ये सीन देखती हूँ हर ड्रामे में, इसकी नाक लाल होती है किंजा की। मेरा गुस्सा हो, दुखी हो, ऐसी मैं नाक में समझ जाती हूँ। गर्मी में भी सर्दी लग रही है ना, नाक लाल होती। सबूत कौन सी किसके बगैर तुम घर से नहीं निकलती? गाड़ी के बगैर तो वो तो अंडरस्टूड है। और ऐसी कोई चीज, ये चीजें हैं आपकी जो सबकी होती हैं, फोन, मेकअप, बैग, वो ऐसा कोई? और आप? मैं भी ऑब्वियसली गाड़ी, अपनी पर्स, अपना पैसे वैसे साथ में रखना, मोबाइल वगैरह, यही चीज है। और उमर आप नहीं मतलब निकाल ही नहीं सकते उस चीज के बगैर? मैं अपना एक तो लंच दोपहर का, अरे बाप, क्योंकि मैं अपना घर से लेके जाता हूँ। सेट पे मंगवाता नहीं हूँ, सेट का खाना भी नहीं खाता। अच्छा, तो एक तो उसके बगैर। सबूर कह रही है आप बहुत झूठे हैं, मुझे आवाज आ गई है। क्या बात, मैंने बोला मुझे आवाज आ गई। पता है क्या, तुम लोग जो माइक है ना उसकी आवाज मेरे कान में। पता है सबसे ज्यादा ये मुझे बोल रही होती है, और सबसे ज्यादा ये मुझे बोल रही होती है जब भी ये कुछ मंगवाती है बाहर से कि ये खा लो, आज क्या हो जाएगा। हाँ। थोड़ा सा तो खा लो, ये मुझे हर चीज ऑफर करती है। लेकिन मैं खा लेता हूँ। लेकिन इसने एक दफा मेरी वजह से घर से अपना कीमा भी बनवा के मंगवाया था, तो वो अच्छा। मैंने बिल्कुल खाया था। अच्छा, तो ये हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से घर से खाना मंगाती है? अम्मी से इतना प्यार है कि उनके हाथ के बगैर कुछ और खा नहीं सकते। मतलब मैं ऑब्वियसली हेल्थ लेकिन वो उधर किंजा भी आई हुई थी जहाँ मैं गया था, और अच्छा अपने आप को पतला रखने के लिए, अपने आप को स्लिम फिट रखने के लिए किंजा और सबूर और पारस और उमर क्या करते हैं, किस चीज की कुर्बानी दी है? स्ट्रेस लेते हैं, पतले हो जाते हैं। बाकी तुम तो कहती हो मैं खाती हूँ। मैं खाती हूँ हाँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी स्ट्रेस लूँ ना, वो मैं पतली हो जाती हूँ। बाकी यानी बड़ा अच्छा आइडिया। मैं रोटी छोड़ देती हूँ। तुम रोटी छोड़ देती हो? तो तुम मतलब बाकी सब चीजें खा लो? बाकी सब चीजें खा लेती हूँ, रोटी बस छोड़ देती हूँ। रोटी मुझे लगती है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा लगती है। आप पारस कहते हैं? मैं तो इतना कोई खास एहतमाम करता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन बस दाढ़ी रख लेते होगे डबल चिन जो पाने के लिए। वो भी अब इस बार तो नहीं हो सका, ऑब्वियसली क्लीन शेव हुआ तो अब डबल चिन तो है ही, और वो हेरिडिटी में भी है। हाँ ना, वही तो बाकी ये है कि मैं नॉर्मल खाता हूँ, मुझे वैसे भी ज्यादा, आई एम नॉट सो मच फॉन्ड ऑफ ईटिंग, तो फूड
का मुझे तो इस तरह कोई डाइट शाइट नहीं करते? डाइट शाइट नहीं करता, बस थोड़ा बहुत खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। और उमर आप तो भाई बहुत ही, मैं तो अपनी खैर कैलोरीज बहुत काउंट करके खाते हो क्या? आज मैं दो टिक्के खा सकता हूँ? अब तो मुझे पता है ना, अब तो मैं यूज्ड टू। अंडे कितने खाते हो? मैंने सुना बॉडी बिल्डर जो है वो 12 अंडे भी खाते हैं। नहीं नहीं, देखिए वो डिपेंड करता है। हाँ। मैं बेसिकली फिटनेस में हूँ तो मैं सिर्फ सुबह 5 अंडे, 5 जर्दी के साथ, जर्दी के बगैर एक अंडा जर्दी के साथ, बाकी एग वाइट। तो वो सुबह ही ज्यादा मुंह पे दाने नहीं निकलते, हम तो अंडे खाते हमारे एग वाइट से नहीं होता, एग वाइट से नहीं, जर्दी से होता है, जर्दी से बेसिकली वो ज्यादा गर्म, क्योंकि आपको इस चीज का भी बड़ा बैलेंस रखना होता है। दोपहर में क्या खाते हो? दोपहर में जो फिश या चिकन में से, और उसके साथ सैलड, उसके साथ सैलड, थोड़े बहुत राइस ले लिए, ब्राउन राइस ले लिए। अच्छा, ब्राउन राइस भी, ब्राउन राइस ले लिए। वो मीठे की क्रेविंग को खत्म करते हैं ना राइस, थोड़ा मैंने सुना है। हाँ, मीठे की क्रेविंग को मीठा ही खत्म कर सकता है। वो तो मुझसे ज्यादा किसी को, किसी को पता नहीं, क्योंकि मैं जब अपना बेसिकली जब चीट डे करता हूँ तो उसमें मेरा 80% जो होता है दैट इज स्वीट डेजर्ट्स। और चीट डे जो है हफ्ते में एक दफा होता है कि महीने में एक दफा होता है? मेरा 10 दिन में एक दफा होता है। 10 दिन। और रात में क्या खाते हैं? और रात में वही अपना चिकन, चिकन, चिकन ले लिया। गोश्त वोश्त शौकीन नहीं है आप? प्रॉन्स, गोश्त? देखिए, जो बेसिकली बड़ा, बड़े का जो गोश्त होता है, जो मीट होता है, वो भी आपको मोटा करता है, मोट करता है, उसमें होता तो है फैट। अच्छा, कोई तुम लोग घरेलू टोटके करते हो कि यार आज हम पार्लर सालर नहीं जाते, इसको बहुत हम शहद लगा लें, पता ही हर चीज बता देती है ये। हाँ। ये यूं कर लो, ये यूं कर लो, थोड़े बहुत आते हैं लेकिन इतने भी नहीं, लेकिन हाँ मुझे आते हैं। अगर कुछ हो गया फेस पे या कुछ, अगर मुझे भी कुछ हो जाए तो मैं पैनिक नहीं करती, मैं उसका हल निकाल लेती हूँ, ठीक भी हो जाता है 2-3 घंटे बाद। जैसे कोई टोटके हमसे शेयर करो, टोटके शेयर करो, दही लगाना या कुछ? अच्छा, दही वगैरह नहीं, मेरे एक दफा बाल ना खराब हो गए थे, जल गए थे पूरे, वो एक ना वो ज्यादा फट जाते हैं आने के बाद, हमेशा वो इस तरह हो जाते थे। तो मैंने एक दिन लगाया मक्खन, अच्छा, दूसरे दिन मैंने अंडा और दही मिक्स करके लगाया और मेरे बाल बिल्कुल ठीक हो गए। वाकई इतने अच्छे हो गए, पहले से भी ज्यादा अच्छे। अंडा, दही और मक्खन एक दफा मक्खन लगाया पूरे बालों में। मक्खन लगाने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, मक्खन होते ही नहीं लगाने, लेकिन उसके लिए तो जलाने पड़ेंगे ना, फिर लगाने पड़ेंगे। नहीं, वैसे भी लगाने चाहिए, आपके बाल रोजाना इतने प्रोडक्ट्स लग रहे होते हैं तो जरूरी है। मैं महीने में एक दफा कुछ ऐसी चीज कर लेती हूं नेचुरल जो आपके बालों को मिले। मक्खन बालों को मैं कुछ भी नहीं करती, कुछ भी नहीं, रफ टफ हो तुम। मेकअप उतार के सोती हो कि मेकअप उतार के सोती? हाँ, क्योंकि ये मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, जैसे याले यहाँ का शो करके जाती थी जब होस्टिंग करती थी, फिर वैसे सुबह यूनिवर्सिटी चली जाती थी उठ के, कहती थी मैं उतारती नहीं थी, मतलब ये याले ने मुझे बताया था। आप क्या ख्याल रखने के लिए करते हैं अपना कुछ? मैं तो बस मुंह धो लेते होंगे, मैं साबुन से मुंह धो लेते हैं, लेकिन एलोवेरा का इस्तेमाल मैं करता हूँ। हाँ, और बालों में एक ऑयल लगाने का बड़ा सिलसिला जरूरी है। अच्छा, तो बालों की ऑयलिंग का ख्याल रखता हूँ। हाँ। और बस एलोवेरा में मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, फेस पे भी लगा सकते हैं तो बालों पे भी लगा बस सकते। वो ऐसे मुंह पे भी लगा लिया, हाथों पे भी लगा लिया, बालों पे भी लगा लिया। मैं इसलिए आपसे पूछूं क्योंकि मर्द भी अपना ख्याल रखना शुरू हो गए हैं आप भाई, इसलिए ज्यादा। उमर, मैं सोप यूज नहीं करता, मतलब फेस पर। हाँ, और फेस वॉश करते हैं? फेस वॉश बहुत एक मखसूस फेस वॉश है। अच्छा, और उसी से करता हूँ, और वो भी तकरीबन हफ्ते में 1-2 दफा या रात में। हाँ, मेकअप उतारने के लिए भी मैं मेकअप ज्यादा करता नहीं हूँ। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जब आप शूट वगैरह पे होते हैं तो ज्यादा मेकअप होता ही है, आई मेकअप हो गया, ये हो गया, वो गया, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपरली फेस वॉश करना पड़ता है। नॉर्मल ड्रामा शूट पे तो आपने पानी वानी कर लिया और ये वो। बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों से बातें करके, बहुत मज़ा आया। अब आज से मैं भी देखने वाली हूँ, इतनी तारीफें सुनी है, इतने खुश हैं जब एक्टर्स, तो जाहिर ड्रामा बहुत अच्छा होगा। और मैं भी आज से 4th एपिसोड से फॉलो करूँगी, आज दिन में मैं जाके यूट्यूब पे पहले 3 एपिसोड पिछली देखूँगी और आज लाइव देखूँगी। रात को ड्रामा 8 बजे गुलो गुलजार देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सबूर, किंदा, पारस, उमर, आप लोगों का शो पे आने का आपका बहुत शुक्रिया। तरक्की अल्लामी आप लोगों को और दे और आगे जाए। आमीन। सुमा, खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छा सा दिन गुजारिएगा, और मेरी दुआएं। गुड मॉर्निंग।